This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके मूवी फैक्ट पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज हुई सास बहू और फ्लेमिंगो मूवी को। तो फ्रेंड्स ये फिल्म कौन सी आपको कहां पे देखने को मिलेगा पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे इस मूवी ने कितनी कमाई किया है रिलीज होने के बाद और दोस्तों ये फिल्म हिट हुआ या फिर फ्लॉप हुआ है इसकी जानकारी भी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे, फिल्म के प्रोड्यूसर कौन थे। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में हम इस मूवी की प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में भी बात करने वाले हैं, जिसके वजह से दोस्तों आप लोग को ये पता चल जाएगा कि ये फिल्म आपको कौन से यूरोप चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको ये फिल्म देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं सास बहू और फ्लेमिंगो फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा स्ट्रीमिंग टेलीविजन श्रृंखला है जिसे होमी अदजानिया द्वारा निर्मित किया गया है और निर्देशित किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो मैड डॉग फिल्म के तहत इस फिल्म को बनाया गया है, निर्मित किया गया है। तो दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में डिंपल कबाडिया, राधिका मदान और ईशा तलवार और उनके अलावा अंगिरा धर, दीपक डुबारियल और मोनिका डोगरा और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों की टुकड़ी इस फिल्म में शामिल है। इसके अलावा दोस्तों इस श्रृंखला का प्रीमियर 5 मई 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हुआ है। द हिंदू ने लिखा है कि श्रृंखला नाजुक पुरुष आह के अपने जो है मौली कोडलिंग और इसके अलावा मजाकिया तरीके से किए गए हैं और ये एक मनोरंजन सीरीज होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग ये सीरीज को देखना चाहते हो तो ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी में देखने को मिल जाता है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस मूवी के रिव्यू रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले Rediff.com की तरफ से सुकन्या वर्मा ने इसके बारे में लिखा है कि ये सीरीज सेक्स हिंसा और ड्रग्स पर श्रृंखला को ओवरडोज महसूस करवाता है और अपनी समीक्षा में उन्होंने लिखा इसके टेरे मेरे जो है ब्रह्मांड और इसके जो है छायादार जो है और साथ ही साथ दोस्तों काम काज को जो है फर्जी की तरफ विस्तारित दिया गया है, विस्तार से दर्ज करने का प्रयास किया गया उन्होंने बताया है। लेकिन दोस्तों कोई भी यानी कि साहस नहीं है क्योंकि बंदूकें और यहाँ पे घाघरा एक के लिए बनाते हैं, जहाँ पे आपको बता दें पंच लाइन ठीक है लेकिन यहाँ पे भावनाओं के अभाव में इमेजरी फीकी लगती है देखने में। अब दोस्तों आगे देखने को मिलता है कि इंडिया टुडे के एक लोचक ने श्रृंखला को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा है कि सास बहू और फ्लेमिंगो एक ऐसा सीरीज है जहां महिलाएं सबसे आगे हैं। आपके बता दें आपके चेहरे पर कोई जो है नारीवाद नहीं चल रहा है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ जो है बहुत निष्पक्ष और ताज़ा महसूस करवाता है। अलग के बारे में हम बात करें तो उसी प्रकृति के थेपे गए शो है जो आप जो है देख सकते हैं। यहाँ तक जो है महिलाएं यानी कि अबला नहीं है लेकिन कम से कम जो है तैयार होने पर भी पुरुषों की पीड़ा और भीड़ का जो है सामना जरूर कर सकती है। अब दोस्तों रिव्यू करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा उत्तर पश्चिमी भारत की खुशी और बंजर भूमि में शो की जो है सेटिंग किए गए हैं और ये एकदम सही है और प्रत्येक पात्र की वेशभूषण और श्रृंखला पर प्रभावशाली भी पड़ता है क्योंकि प्राचीन टैटू और जातीय के साथ जो है आभाषणों के साथ पूर्ण देहाती मेकओवर दिया गया है इस फिल्म के अंदर। दोस्तों अगर बात की जाए इस फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है डिम्पल कबाड़िया धारा उत्तर भारतीय रेगिस्तानी शहर सास बहू और फ्लेमिंगो में ड्रग डीलरों के परिवार की यहाँ दोस्तों श्रृंखला में देखने को मिलता है। डीलरों के परिवार की मातृभूमि के रूप में एक थ्रिलर का नेतृत्व किया गया जो हमें तूतरीपूर्ण सख्त और अप्रिय महिलाओं की दुनिया में पहुंचाता है जो अपनी शर्तों पर पूरी तरह से रानी आकार का जीवन जीती हैं। फिल्म में दोस्तों महिलाएं शक्ति का लाभ उठाती है लेकिन अपने निडर जो है तरीकों के लिए कीमत भी चुकाती है। पुरस्कार के बारे में बात किया जाए तो प्रतिशोध के बीच संघर्ष यहाँ पे आपरंपरागत जो है पारिवारिक नाटक का मूल है जो एक हद तक जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के आर्य पर एक विचित्र ग्रामीण भिन्नता का साथ दिया गया है।
मजबूत माहौल ये है कि एक ऐसी कहानी है फिल्म में जो भावनाओं और एक्शन से भरी हुई है और कई ठोस प्रदर्शन दिए गए हैं और एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो कि ट्विस्ट और टर्न का एक पूरा तर्क प्रदान करता है जो सास बहू और फ्लेमिंगो को एक जो संतोषजनक जरूरी नहीं की जा सकती है, जिसकी वजह से शानदार शो बनने के लिए ये तैयार है। इसके अलावा दोस्तों इसके एपिसोड के बारे में हम बात कर ले तो 8 एपिसोड हॉटस्टार पे रिलीज कर दिया गया है। स्पेशल सीरीज जो है, जी हाँ दोस्तों, स्पेशल सीरीज विस्फोटक और धीमी जलन, तना हुआ और यहाँ पे घुमावदार के बीच बैकलिप तैयार किया गया है। ये एक बेकार परिवार का अनुसरण करता है जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो सतह पर दिखाई देता है। ये शायद ही आश्चर्य की बात है कि यहाँ पे अधिकांश कहानी एक गुप्त बंकर में सामने आती है। वह स्थान जहाँ पर परिवार अपनी यहाँ पे अफीम उगाते हैं चुपके से, एक ऐसी जगह जहाँ जिसका जो है बाकी दुनिया को कोई भी यानी कि आभास ही नहीं है। दोस्तों देखने को मिलता है कि सीरीज में कई जो है भयवा रिश्ते सामने आते हैं जो लिंग अनाचार की सीमा पर बिना जो है पढ़े दिल तोड़ने वाले विशुद्ध रूप से जो है रोमांटिक होते हैं। दोस्तों असहज और यहाँ पे परास्वप्रिक के साथ जो है समीकरण उस नाजुक जो है संतुलन को यहाँ पे बिगाड़ने की धमकी देते हैं सीरीज में जो बच्चे को एक साथ रखता है। परिवार के भीतर एक उत्तराधिकार युद्ध जो है छिड़ जाता है देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें व्यवसाय चलाने वाली महिला और औपचारिक रूप से अपने साम्राज्य के कानूनी उत्तराधिकारी का नाम देने के इरादे की घोषणा करती है एक दिन। दोस्तों आगे देखने को मिलता है सास बहू और गतिशील को अपने सिर पर मोड़ने और वसंत आश्चर्य की अपनी जो है सहज क्षमता के लिए खनन करने के अलावा क्राइम ड्रामा एक रोमांचक जो है खतानक प्रदान करता है, जिसमें दोस्तों महिलाएं सभी शॉट्स को बुलाती है और यहां तक कि उनके यहां पे आसपास के पुरुष वह सब करते हैं जो वह नहीं कर सकते। उनके लिए आसान है, लेकिन ये शो लैंगिक विभाजन और उसके प्रभाव के बारे में इतना नहीं है, क्योंकि ये महत्वाकांक्षा और पारिवारिक बंधनों और इसके नतीजों के बीच संघर्ष के बारे में ये शो बात करता है। अब दोस्तों ये श्रृंखला समान गति से नहीं है, क्योंकि इसके कुछ हिस्से एक स्पर्श सुस्त और घूमने वाले हैं, लेकिन जब भी ये गति पकड़ता है तो अपनी जो है पटियों को हिट जरूर करता है। सास बहू और फ्लेमिंगो यहाँ पे होमी अजानिया धारा निर्मित की गई है, जो निर्देशक के बारे में हम बात कर ले तो पूरी तरह से आकर्षक और मनोरंजन तरीके से इसको तैयार किया गया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे नंदिनी गुप्ता और अमन मन्नान की भावपूर्ण स्क्रिप्ट हमें फिल्म में देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बतला दे राणा प्रदेश नामक एक प्रांत में एक काल्पनिक जो है रेगिस्तान में स्थापित की गई श्रृंखला मिट्टी की पृष्ठभूमि का बहुत अच्छा उपयोग करती है, जिसे जो है फोटोग्राफी के निर्देशक और लीनेश देसाई के लेंस के माध्यम से विचार किया गया है जो कैप्चर किया गया है उनके साथ। ये एक ऐसा परिदृश्य है जहाँ सावित्री डिंपल कपाड़िया के लिए हर कोने पर खतरा मंडराता है, जो एक हवेली से है जो कई रहस्य छुपाती है। आगे देखने को मिलता है एक अवैध व्यापार करती है जिसे यहाँ पे व्यंजनात्मक रूप से रानी सहकारी कहा जाता है उन्हें। इसका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ऊपर है, लेकिन कोई भी ये पता नहीं लगा सकता है कि एक समय यानी कि सहायता समूह की तर्ज पर चलने वाला व्यवसाय इतना बड़ा पैसा बनाने वाले कैसे हो सकते हैं। अब दोस्तों वहाँ पे हस्तीपुर में एक पुलिस स्टेशन के बिना एक चौकी सावित्री वास्तव में सभी जो सर्वेक्षणों की रानी है। उसकी विद्रोह बेटी शांता राधिका मदान और दो चंचल बहुएं हैं, जहाँ बिजली ईशा तलवार और काजल के साथ जो अंगिरा धर्प है उसके साथ दोस्तों काम करती है और एक दुर्जय के साथ जो है एक दुर्जय चौकती है जो कि जिसके नीचे होने पर कोई भी यानी कि आपको क्वार्ट देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों बता दें पे बदमाश लड़कियों के लिए अक्सर कठिन ये हो जाता है, लेकिन वह उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी जो है जमीन पर टिकी रहती है, जिनका सामना वह एक दर्शन विचार कोकीन डिलीवर से करती है। दीपक दुबारियाल के बारे में हम बात कर ले तो एक नशीले पदार्थों के विरोधी सहायक पुलिस आयुक्त जो है प्रसून जैसे हैं, जहाँ पे जिमीत के साथ बता दे त्रिवेदी से की है जो कि स्पष्ट संक्षिप्त विवरण के साथ मुंबई से राणा प्रदेश स्थानांतरित कर देती है फिल्म में। अब दोस्तों आगे देखने को मिलता है सावित्री के दो जो है झगड़ालू बेटे हैं हरीश और आशीष वर्मा, जो कपिल वरुण मित्रा के साथ अपनी मां के व्यवसाय की वास्तविक जो है प्रकृति से अनभिज्ञ है। दो व्यक्ति जो है अमेरिका से
लौटते हैं। उनकी पत्नियां कुछ भी नहीं बताती हैं क्योंकि दुनिया के एक कोने में पैर जमाने की कोशिश में ये जोड़ी एक चीज से दूसरी चीज पर जो है लड़खड़ाती है, जो अब उनके लिए अलग हो गया है। सावित्री के दत्तक पुत्र और उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी में से एक धीमान उदित अरोरा के लिए दोनों भाई और बहनों का कोई भी प्यार नहीं मिलता है। तनाव बढ़ते चला जाता है दोनों में, क्योंकि यहाँ पे कोक और सूंघने वाले हरीश और अधिक जो है चौकस पे कपिल धीमा हो जाते हैं। दोस्तों देखने को मिलता है कि उत्तर अधिकार युद्ध में एक प्रमुख जो है प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। इसके अलावा उनकी बहन और धीमान के बीच एक संबंध जो है चिंता के कारण बन जाता है सीरीज के अंदर। लेकिन दोस्तों इधर अधिक सावित्री कितनी भी दृढ़ और एक काकरा क्यों ना कर लो, यहाँ पे उल्टा उसके अस्तित्व का एक हिस्सा बना हुआ है। एक बैक स्टोरी के बारे में हम बात कर ले तो यहाँ पे एक बंजारा महिला के एक जो है दबंग और यहाँ पे अभिज्ञ सरगना में परिवर्तन के पीछे के कारणों को प्रकट करती है। ये उन परिस्थितियों की ओर भी इशारा करता है जिसमें सावित्री ने उतार चढ़ाव की एक जो है चौथाई सदी की यात्रा में दोस्ती की और दुश्मनों को बनाया। जब दोस्तों एक पुलिस वाले का फोन आता है तो सावित्री ये कहती है कि बंजारों का घर नहीं होता है, उनका तो सिर्फ रास्ता ही होता है, क्योंकि बंजारा कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी नाच गा और कहीं भी रह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और ये कहती है कि यहाँ तो मारो या फिर मरो, महिलाओं को घेरने वाले सभी खतरों के बीच में वह इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि जीवित रहने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। विशेष रूप से दिलचस्प युवा जो शान का चरित्र बना हुआ है सीरीज में। आगे दोस्तों सीरीज में देखने को मिलता है जो पहिया में एक महत्वपूर्ण दल है, वह उन पंतियों के फीते जो है बांधती है इन्हें उसकी माँ एक रसायन के साथ उगाती है जो दवा को बहुत मजबूत बनाता है। क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंगो कहे जाने वाले रानी के साथ जो है यहाँ पे कोआ पीरियड धारा उत्पादित जो है शक्तिशाली यौगिक के देश में भरे और इसकी सीमाओं में किया जाता है ये सब चीजें। दोस्तों आगे शुरुआती एपिसोड में एक नाइट क्लब में ड्रग ओवरडोज के कारण यहाँ पे उप मुख्यमंत्री का बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंगो का एक जो है पैकेट मुंबई और पुलिस धारा जो है जब्त कर लिया जाता है। और एक एंटी के बारे में हम बात कर ले तो नारकोटिक्स एजेंट राणा परदेश के सूत्र का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पे घातक दवा और पुलिस का मिशन साजिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिंपल कबाड़िया फिल्म में एक प्रभावशाली स्टार टर्न के साथ शो को शक्ति प्रदान तो करती है, लेकिन राधिका मदान ने एक यहाँ पे बता दे सारगर्भित युवा महिला को उकेरा है जो अपने लिए मायने रखने वाली चीजों की खोज में एक इंच भी पीछे नहीं हटती है। ईशा तलवार के बारे में बात कर ले तो अंगीरा धर दोनों बहुओं के रूप में बहुत अच्छे अभिनय किए हैं। कलाकारों में पुरुष कलाकार जिनमें से जो है नसीरुद्दीन शाह और दीपक दुबारियल शामिल है दूसरी भूमिका निभाते हैं फिल्म में। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आशीष वर्मा, वरुण मित्रा और उदित अरोरा के बारे में हम बात कर ले तो तीनों पुरुषों की भूमिका निभा रहे हैं जो रानी को यानी कि ऑपरेटिव पर नियंत्रण पाने की उम्मीद पर है। एक पुलिस वाले के रूप में जिमी त्रिवेदी कोई भी यानी कि धक्का देने वाले नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट उन्हें पर्याप्त स्पेस देती है और वह इसका पूरा फायदा भी उठाते हैं इस सीरीज के अंदर। इसके अलावा दोस्तों बतला दे गैंग्स ऑफ वासेपुर जो भाग वन 2012 के प्रतिष्ठित उद्घाटन शॉट में आया था, क्योंकि यहाँ पे सास भी कभी बहुत ही ये भूमिका निभाने वाली एक टेलीविजन स्क्रीन आने वाली गोल यू से यहाँ पे चकनाचूर हो जाती है। आगे इस दृश्य में एक मिशन स्टेंटमैन के रूप में कार्य किया, क्योंकि यहाँ पे वासीपुर एक पारिवारिक गथा बनने जा रहा है जैसे कोई और नहीं बन सकता। अब 11 साल बाद सास बहू और फ्लेमिंगो अपने टाइटल के साथ कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है, क्योंकि श्रृंखला होमी अज्जान या धारा निर्देशित किया गया और डिज्नी प्लस हॉट स्टार पे स्ट्रीमिंग किया गया है। एक अवैध व्यापार में लगे परिवार के बारे में ये कहानी है, जो फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ अनुराग कश्यप के खून से लथपथ जो है कोयला यानी कि तस्करों के महाकाव्य के विपरीत इस शो में नायक महिलाएं हैं। बता दें दोस्तों सोचिए अगर यहाँ पे नगमा और उनके अलावा मोहसिना और शमा होती तो एक गुप्त ड्रग के साथ जो है कोटेल चलाते हैं, जिसके बारे में यहाँ पे सरदार खान फैजल और यहाँ पे दानिश को कोई जो जानकारी नहीं मिली थी।
दोस्तों इस सीरीज के अंदर सावित्री यानी कि डिंपल कवारिया रानी को ऑपरेटिव चलाते हुए दिखाया गया, जो यहाँ पे हस्तशिल्प और यहाँ पे औषधि जड़ी बूटियों का उत्पादन करती है। वह उत्तर पश्चिम भारत के एक काल्पनिक सीमावर्ती शहर हस्तीपुर की महिलाओं की मात्र सत्ता और धर्म माता है, जहाँ सहकारी हम जल्दी से सीखते हैं कि एक अवारणयन सावित्री का असली जो है धंधा कुकीन है, क्योंकि उसके यहाँ पे संचालन में उसकी बेटी शांता और राधिका मदान और दो बहुओं काजल और अंगीरा धर शामिल है। और दोस्तों बिजली के बारे में बात की जाए तो ईशा तलवार धारा मदद की जाती है, जब उनके सिग्नेचर और यहाँ पे फिल्मिंगो उत्पाद के मिलावटी जो है संस्करण ने एक राजनेता के बेटे को कोमा में डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे सावित्री को एहसास हुआ कि इसके लिए नरक की कीमत चुकानी होगी। विभिन्न यानी कि गिद्ध और चक्कर लगाते हुए आते हैं, जिनमें देखने को मिलता है कि डेड पेन एंटी और नारकोटिक जो है ऑफिसर प्रोसून जो है जिमी त्रिवेदी के साथ वहां पे आते हैं। आगे दोस्तों देखने को मिलता है दीपक दुबारियल नाम का एक मृत आंखों वाला प्रतिद्वंदी शामिल है इन सब चीजों में, जो एक अलग कहानी जरूर देखने को इसके अंदर मिलता है हमें। दोस्तों इस सीरीज में शुरुआती घाट जिसे जो है सावित्री और उसके जो है मंडली ने अपनी जो है हवेली में सफलतापूर्वक विफल कर दिया चाकू मारकर, और इसके अलावा फुलदान और यहाँ पे बेड तरतीब जो है ट्रिंक केट से जो है उड़ान भरा, क्योंकि संशोधन वादिन के बारे में हम बात कर ले तो उनका रुख का संकेत यह है कि श्रृंखला लेने के लिए तैयार किया गया, फिर भी जो है जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है हमें एहसास होता है कि सास बहू और फ्लेमिंगो डेली शॉप ओपेरा में शामिल है, जहां आकर्षित ये होता है कि जितना कि ये और उतना कर रहा है। सावित्री को उनके जो है अनुयायी रानी बाकी रूप में संबोधित किया गया है। शुक्ली एक जो है बैकलिप शीर्षक यानी, और इसके अलावा बता दें कि कभी हो सकता था कि जब यानी कि उसके बेटे अमेरिका से बेखबर जो है कॉर्पोरेट आते हैं, तो एक अलग ही कहानी इसमें देखने को मिलता है। आगे दोस्तों होमी और उनके जो है लेखक है अपनेपन की इस जो है भावना को बड़ी जो है शिद्दत से झाड़ने की कोशिश करते हैं। आगे बिजली और उसका पति आशीष वर्मा एक जो है खुशनुमा माहौल से बाहर आते हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे होते क्योंकि वह मुंबई के एक डीजे के साथ जो है समलैंगिक संबंधों में है। शांता और धीमान उदित अरोड़ा के बारे में हम बात कर ले तो उपरोक्त और यहाँ पे तीसरा बेटा यौन और भावनात्मक रूप से जो है जुड़ा हुआ है इसके अंदर। एक संदर्भ ये है कि शायद गेम ऑफ जो है थ्रोन्स है, क्योंकि यहाँ पे कैरिसिस और यहाँ पे जमील के साथ जो है बीच अनाचारपूर्ण संबंध था, हालांकि उन उत्साहित जुड़ाव बच्चों के विपरीत था, क्योंकि यहाँ पे शांता और धीमान रक्त भाई बहन नहीं है, ये भी जानने को आगे मिलता है। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी तो आपको याद होगा, जो सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होगी, तो इस जो है यानी कि दानेदार और सीमावर्ती नाटक में यहाँ पे आपको बतला दे परघो गीकी के साथ जो है, और इसके अलावा वैश्विक रन के लिए अधिक जो है आकर्षण है। ये क्लासिक होमी क्षेत्र है जो एक अच्छी तरह से यात्रा करने वाला बॉम्बे लड़का और वजह शहरी अर्थ पर यहाँ पे शहरी और यहाँ पे महानगरीय भारत के बीच की जहाँ पे दूरियों को मिटाने में सबसे अच्छा है। गैंग्स ऑफ वासेपुर के पेजर्स के हम बारे में हम बात कर ले तो यहाँ पे अपडेट करते हुए उनके पात्र यानी कि हेडफोन द्वारा ये लिखा गया है कि उनके द्वारा दोस्तों ये लिखा गया है कि यहाँ पे हेडफोन स्मार्ट वॉच और वीआर हेडसेट लेकर जो घूमते हैं। हम जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर ले तो माध्यम से मनी और यहाँ पे लोन ड्रिंक देखते हैं, जो एक जो है मर्मस स्पत्र और विवरण में आता है, जो सावित्री रात में सितारों का एक महंगे दिखने वाले यहाँ पे टेलीस्कोप से सर्वेक्षण करती है। तो दोस्तों बता दें ये सीरीज आपको अभी यूरोप पर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसको डिज्नी प्लस पे रखा गया है। फिल्म में टिंपल कबाड़िया शो को एक साथ रखती है, वह एक सावित्री को तनय और लेकिन कठोर के रूप में चित्रित करती है, और उसकी दृढ़ता और तब से जो है संकेत मिला है कि कैसे वह हाथ से यहाँ पे मोमबत्तियों पर मुहर लगाती है। बिजली के रूप में ईशा तलवार उसकी लीव इन क्रूरता से मेल जरूर खाती है, लेकिन दोस्तों मदन और धर के प्रदर्शन के बारे में हम बात कर ले तो एक अलग ही चीज देखने को मिलता है। श्रृंखला नाजुक पुरुष आह के
अपने जो है मेलिको के साथ जो है डटलिंग और मजाकिया तरीके से है। इसके अलावा दोस्तों सावित्री के छोटे बेटे के बारे में हम बात करें तो वरुण मित्रा को पता चलता है कि यहाँ पे करोड़ों का साम्राज्य चलाया जाता है और यहाँ पे हर महीने $500 से भेजा जाता है, जो कि काजल ने उसे जो आश्वस्त करते हुए कहा कि एक माँ की नज़र में ये सब जो है आसान नहीं होता। दोस्तों बता दें सीरीज में आपको एक इमोशनल कहानी भी देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस पे ये सीरीज आपको अभी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं सास बहू और फ्लेमिंगो फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की अपना ड्रामा स्ट्रीमिंग टेलीविजन श्रृंखला है जिसे होमी अदजानिया द्वारा निर्मित किया गया है और निर्देशित किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो मैडॉक फिल्म के तहत इस फिल्म को बनाया गया है, निर्मित किया गया है। दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में डिंपल कबाडिया, राधिका मदान और ईशा तलवार और उनके अलावा अंगिरा धर, दीपक डुबारियल और मोनिका डोगरा और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों की टुकड़ी इस फिल्म में शामिल है। इसके अलावा दोस्तों इस श्रृंखला का प्रीमियर 5 मई 2023 को डिज्नी प्लस स्टार पे हुआ है। द हिंदू ने लिखा है कि श्रृंखला नाजुक पुरुष आह के अपने जो है मौलिक कोडलिंग और इसके अलावा मजाकिया तरीके से किए गए हैं और ये एक मनोरंजन सीरीज होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस सीरीज को देखना चाहते हो तो ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी में देखने को मिल जाता है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस मूवी के रिव्यू रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले rediff.com की तरफ से सुकन्या वर्मा ने इसके बारे में लिखा है कि ये सीरीज सेक्स, हिंसा और ड्रग्स पर श्रृंखला को ओवरडोज महसूस करवाता है और अपनी समीक्षा में उन्होंने लिखा इसके टेरे मेरे जो है ब्रह्मांड और इसके जो है छायादार जो है और साथ ही साथ दोस्तों काम काज को जो है फर्जी की तरफ विस्तारित दिया गया है, विस्तार से दर्ज करने का प्रयास किया गया उन्होंने बताया है, लेकिन दोस्तों कोई भी यानी कि साहस नहीं है क्योंकि बंदूक है और यहाँ पे घाघरा एक के लिए बनाते हैं जहाँ पे आपको बता दें पंच लाइन ठीक है लेकिन यहाँ पे भावनाओं के अभाव में इमेजरी फीकी लगती है देखने में। अब दोस्तों आगे देखने को मिलता है कि इंडिया टुडे के एक लोचक ने श्रृंखला को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा है कि सास बहू और फ्लेमिंगो एक ऐसा सीरीज है जहां महिलाएं सबसे आगे हैं। आपके बता दें आपके चेहरे पर कोई जो है नारीवाद नहीं चल रहा है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ जो है बहुत निष्पक्ष और ताज़ा महसूस करवाता है। अलग के बारे में हम बात करें तो उसी प्रकृति के थेपे गए शो है जो आप जो है देख सकते हैं। यहाँ तक जो है महिलाएं यानी कि अबला नहीं है लेकिन कम से कम जो है तैयार होने पर भी पुरुषों की पीड़ा और भीड़ का जो है सामना जरूर कर सकती है। अब दोस्तों रिव्यू करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा उत्तर पश्चिमी भारत की खुशी और बंजर भूमि में शो की जो है शेटिंग किए गए हैं और ये एकदम सही है और प्रत्येक पात्र की वेशभूषण और श्रृंखला पर प्रभावशाली भी पड़ता है क्योंकि प्राचीन टैटू और जातीय के साथ जो है आभाषणों के साथ पूर्ण देहाती मेकओवर दिया गया है इस फिल्म के अंदर। दोस्तों अगर बात की जाए इस फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है डिंपल कबाड़िया धारा उत्तर भारतीय रेगिस्तानी शहर सासमो और फिलिंगो में ड्रग डीलरों के परिवार की यहाँ दोस्तों श्रृंखला में देखने को मिलता है। डीलरों के परिवार की मातृभूमि के रूप में एक थ्रिलर का नेतृत्व किया गया जो हमें तूतरीपूर्ण शक्त और अप्रिय महिलाओं की दुनिया में पहुंचाता है जो अपनी शर्तों पर पूरी तरह से रानी आकार का जीवन जीती हैं। फिल्म में दोस्तों महिलाएं शक्ति का लाभ उठाती है लेकिन अपने निडर जो है तरीकों के लिए कीमत भी चुकाती है। पुरस्कार के बारे में बात किया जाए तो प्रतिशोध के बीच संघर्ष यहाँ पे आपरम पारगत जो है पारिवारिक नाटक का मूल है जो एक हद तक जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के आर्य पर एक विचित्र ग्रामीण भिन्नरता का साथ दिया गया है। मजबूत माहौल ये है कि एक ऐसी कहानी है फिल्म में जो भावनाओं और एक्शन से भरी हुई है और कई ठोस प्रदर्शन दिए गए हैं और एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो कि ट्विस्ट और टर्न का एक पूरा तर्क प्रदान करता है जो सास बहू और फ्लेमिंगो को एक जो संतोषजनक जरूरी नहीं की जा सकती है जिसकी वजह से शानदार शो बनने के लिए ये तैयार है। इसके अलावा दोस्तों इसके एपिसोड के बारे में हम बात कर ले तो 8 एपिसोड हॉटस्टार पे रिलीज कर दिया गया स्पेशल सीरीज जो है। जी हाँ दोस्तों स्पेशल सीरीज विस्फोटक और धीमी जलन
तना हुआ और यहाँ पे घुमावदार के बीच बैकलिप तैयार किया गया है। ये एक बेकार परिवार का अनुसरण करता है जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो सतह पर दिखाई देता है। ये शायद ही आश्चर्य की बात है कि यहाँ पे अधिकांश कहानी एक गुप्त बंकर में सामने आती है। वह स्थान जहाँ पर परिवार अपनी यहाँ पे अफीम उगाते हैं चुपके से, एक ऐसी जगह जहाँ जिसका जो है बाकी दुनिया को कोई भी यानी कि आभास ही नहीं है। दोस्तों देखने को मिलता है कि सीरीज में कई जो है भयवा रिश्ते सामने आते हैं जो लिंग अनाचार की सीमा पर बिना जो है पढ़े दिल तोड़ने वाले विशुद्ध रूप से जो है रोमांटिक होते हैं। दोस्तों असहज और यहाँ पे परास्वप्रिक के साथ जो है समीकरण उस नाजुक जो है संतुलन को यहाँ पे बिगाड़ने की धमकी देते हैं सीरीज में जो बच्चे को एक साथ रखता है। परिवार के भीतर एक उत्तराधिकार युद्ध जो है छिड़ जाता है देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें व्यवसाय चलाने वाली महिला और औपचारिक रूप से अपने साम्राज्य के कानूनी उत्तराधिकारी का नाम देने के इरादे की घोषणा करती है एक दिन। दोस्तों आगे देखने को मिलता है सास बहू और गतिशील को अपने सिर पर मोड़ने और वसंत आश्चर्य की अपनी जो है सहज क्षमता के लिए खनन करने के अलावा क्राइम ड्रामा एक रोमांचक जो है खतानक प्रदान करता है जिसमें दोस्तों महिलाएं सभी शॉट्स को बुलाती है और यहां तक कि उनके यहां पे आसपास के पुरुष वह सब करते हैं जो वह नहीं कर सकते, उनके लिए आसान है। लेकिन ये शो लैंगिक विभाजन और उसके प्रभाव के बारे में इतना नहीं है क्योंकि ये महत्वाकांक्षा और पारिवारिक बंधनों और इसके नतीजों के बीच संघर्ष के बारे में ये शो बात करता है। अब दोस्तों ये श्रृंखला समान गति से नहीं है क्योंकि इसके कुछ हिस्से एक स्पर्श सुस्त और घूमने वाले हैं, लेकिन जब भी ये गति पकड़ता है तो अपनी जो है पटियों को हिट जरूर करता है। सास बहू और फ्लेमिंगो यहाँ पे होमी अजानिया धारा निर्मित की गई है जो निर्देशक के बारे में हम बात कर ले तो पूरी तरह से आकर्षक और मनोरंजन तरीके से इसको तैयार किया गया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे नंदिनी गुप्ता और अमन मन्नान की भावपूर्ण स्क्रिप्ट हमें फिल्म में देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बता दे राणा प्रदेश नामक एक प्रांत में एक काल्पनिक जो है रेगिस्तान में स्थापित की गई श्रृंखला मिट्टी की पृष्ठभूमि का बहुत अच्छा उपयोग करती है जिसे जो है फोटोग्राफी के निर्देशक और लीनेश देसाई के लेंस के माध्यम से विचार किया गया है जो कैप्चर किया गया उनके साथ। ये एक ऐसा परिदृश्य है जहाँ सावित्री डिम्पल कपाड़िया के लिए हर कोने पर खतरा मंडराता है जो एक हवेली से है जो कई रहस्य छुपाती है। आगे देखने को मिलता है एक अवैध व्यापार करती है जिसे यहाँ पे व्यंजनात्मक रूप से रानी सहकारी कहा जाता है उन्हें। इसका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ऊपर है लेकिन कोई भी ये पता नहीं लगा सकता है कि एक समय यानी कि सहायता समूह की तर्ज पर चलने वाला व्यवसाय इतना बड़ा पैसा बनाने वाले कैसे हो सकते हैं। अब दोस्तों वहाँ पे हस्तीपुर में एक पुलिस स्टेशन के बिना एक चौकी सावित्री वास्तव में सभी जो सर्वेक्षणों की रानी है। उसकी विद्रोह बेटी शांता राधिका मदान और दो चंचल बहुए हैं जहाँ बिजली ईशा तलवार और काजल के साथ जो अंगीरा धर पे है उसके साथ दोस्तों काम कर दिया और एक दुर्जय के साथ जो है एक दुर्जय चौकती है जो कि जिसके नीचे होने पर कोई भी यानी कि आपको क्वार्ट देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों बता दें पे बदमाश लड़कियों के लिए अक्सर कठिन ये हो जाता है लेकिन वह उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी जो है जमीन पर टिकी रहती है जिनका सामना वह एक दर्शन विचार कोकिन डिलीवर से करती है। दीपक दुबारियल के बारे में हम बात कर ले तो एक नशीले पदार्थों के विरोधी सहायक पुलिस आयुक्त जो है प्रसून जैसे हैं जहां पे जिमीत के साथ बता दे त्रिवेदी से की है जो कि स्पष्ट संक्षिप्त विवरण के साथ मुंबई से राणा प्रदेश से स्थानांतरित कर देती है फिल्म में। अब दोस्तों आगे देखने को मिलता है सावित्री के दो जो है झगड़ालू बेटे हैं हरीश और आशीष वर्मा जो कपिल वरुण मित्रा के साथ अपनी मां के व्यवसाय की वास्तविक जो है प्रकृति से अनभिज्ञ है। दो व्यक्ति जो है अमेरिका से लौटते हैं उनकी पत्नियां कुछ भी नहीं बताती हैं क्योंकि दुनिया के एक कोने में पैर जमाने की कोशिश में ये जोड़ी एक चीज से दूसरी चीज पर जो है लड़खड़ाती है जो अब उनके लिए अलग हो गया है। सावित्री के दत्तक पुत्र और उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी में से एक धीमान उदित अरोरा के लिए दोनों भाई और बहनों का कोई भी प्यार नहीं मिलता है। तनाव बढ़ते चला जाता है दोनों में क्योंकि यहाँ पे कोक और सूंघने वाले हरीश और अधिक जो है चौकस पे कपिल धीमा हो जाते हैं।
दोस्तों देखने को मिलता है कि उत्तराधिकार युद्ध में एक प्रमुख जो है प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। इसके अलावा उनकी बहन और धीमान के बीच एक संबंध जो है चिंता के कारण बन जाता है सीरीज के अंदर। लेकिन दोस्तों इधर अडिक सावित्री कितनी भी दृढ़ और एक काकरा क्यों ना कर लो, यहाँ पे उल्टा उसके अस्तित्व का एक हिस्सा बना हुआ है। एक बैक स्टोरी के बारे में हम बात कर ले तो यहाँ पे एक बंजारा महिला के एक जो है दबंग और यहाँ पे अभिज्ञ सरगना में परिवर्तन के पीछे के कारणों को प्रकट करती है। ये उन परिस्थितियों की ओर भी इशारा करता है जिसमें सावित्री ने उतार चढ़ाव की एक जो है चौथाई सदी की यात्रा में दोस्ती की और दुश्मनों को बनाया। जब दोस्तों एक पुलिस वाले का फोन आता है तो सावित्री ये कहती है कि बंजारों का घर नहीं होता है, उनका तो सिर्फ रास्ता ही होता है, क्योंकि बंजारा कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी नाच गा और कहीं भी रह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और ये कहती कि यहाँ तो मारो या फिर मरो, महिलाओं को घेरने वाले सभी खतरों के बीच में वह इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि जीवित रहने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। विशेष रूप से दिलचस्प युवा जो शान का चरित्र बना हुआ है सीरीज में। आगे दोस्तों सीरीज में देखने को मिलता है जो पहिया में एक महत्वपूर्ण दल है वह उन पंतियों के फीते जो है बांधती है इन्हें उसकी माँ एक जो है रसायन के साथ उगाती है जो दवा को बहुत मजबूत बनाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंगो कहे जाने वाले रानी के साथ जो है यहाँ पे कोआ पीरियड धारा उत्पादित जो है शक्तिशाली यौगिक के देश में भरे और इसकी सीमाओं में किया जाता है ये सब चीजें। दोस्तों आगे शुरुआती एपिसोड में एक नाइट क्लब में ड्रग ओवरडोज के कारण यहाँ पे उप मुख्यमंत्री का बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंगो का एक जो है पैकेट मुंबई और पुलिस धारा जो है जब्त कर लिया जाता है। और एक एंटी के बारे में हम बात कर ले तो नारकोटिक्स एजेंट राणा परदेश के सोत्रा का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पे घातक दवा और पुलिस का मिशन साजिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिंपल कबाड़िया फिल्म में एक प्रभावशाली स्टार टर्न के साथ शो को शक्ति प्रदान तो करती है, लेकिन राधिका मदान ने एक यहाँ पे बता दे सार गर्भित युवा महिला को उकेरा है जो अपने लिए मायने रखने वाली चीजों की खोज में एक इंच भी पीछे नहीं हटती है। ईशा तलवार के बारे में बात कर ले तो अंगिरा धर दोनों बहुओं के रूप में बहुत अच्छे अभिनय किए हैं। कलाकारों में पुरुष कलाकार जिनमें से जो है नसीरुद्दीन शाह और दीपक दुबारियल शामिल है दूसरी भूमिका निभाते हैं फिल्म में। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आशीष वर्मा, वरुण मित्रा और उदित अरोड़ा के बारे में हम बात कर ले तो तीनों पुरुषों की भूमिका निभा रहे हैं जो रानी को यानी कि ऑपरेटिव पर नियंत्रण पाने की उम्मीद पर है। एक पुलिस वाले के रूप में जिमी त्रिवेदी कोई भी यानी कि धक्का देने वाले नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट उन्हें पर्याप्त स्पेस देती है और वह इसका पूरा फायदा भी उठाते हैं इस सीरीज के अंदर। इसके अलावा दोस्तों बतला दे गैंग्स ऑफ वासेपुर जो भाग वन 2012 के प्रतिष्ठित उद्घाटन शॉट में आया था, क्योंकि यहाँ पे सास भी कभी बहुत ही ये भूमिका निभाने वाली एक टेलीविजन स्क्रीन आने वाली गोल यूज से यहाँ पे चकनाचूर हो जाती है। आगे इस दृश्य में एक मिशन स्टेंटमैन के रूप में कार्य किया, क्योंकि यहाँ पे वासीपुर एक पारिवारिक गथा बनने जा रहा है जैसे कोई और नहीं बन सकता। अब 11 साल बाद सास बहू और फ्लेमिंगो अपने टाइटल के साथ कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है, क्योंकि श्रृंखला होमी अज्ञान या धारा निर्देशित किया गया और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे स्ट्रीमिंग किया गया है। एक अवैध व्यापार में लगे परिवार के बारे में ये कहानी है, जो फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ अनुराग कश्यप के खून से लथपथ जो है कोयला यानी कि तस्करों के महाकाव्य के विपरीत इस शो में नायक महिलाएं हैं। बता दें दोस्तों सोचिए अगर यहाँ पे नगमा और उनके अलावा मोहसिना और शमा होती तो एक गुप्त ड्रग के साथ जो है कोटेल चलाते हैं, जिसके बारे में यहाँ पे सरदार खान फैजल और यहाँ पे दानिश को कोई जो जानकारी नहीं मिली थी। दोस्तों इस सीरीज के अंदर सावित्री यानी कि डिंपल कबारिया रानी को ऑपरेटिव चलाते हुए दिखाया गया, जो यहाँ पे हस्तशिल्प और यहाँ पे औषधि जड़ी बूटियों का उत्पादन करती है। वह उत्तर पश्चिम भारत के एक काल्पनिक सीमावर्ती शहर हस्तीपुर की महिलाओं की मात्र सत्ता और धर्म माता है, जहाँ सहकारी हम जल्दी से सीखते हैं कि एक अवारण यानी सावित्री का
असली जो है धंधा कुकीन है, क्योंकि उसके यहाँ पे संचालन में उसकी बेटी शांता और राधिका मदान और दो बहू काजल और अंगिराधर शामिल है। और दोस्तों बिजली के बारे में बात की जाए तो ईशा तलवार धारा मदद की जाती है जब उनके सिग्नेचर और यहाँ पे फिल्मिंगो उत्पाद के मिलावटी जो है संस्करण ने एक राजनेता के बेटे को कोमा में डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे सावित्री को एहसास हुआ कि इसके लिए नरक की कीमत चुकानी होगी। विभिन्न यानी कि गिद्ध और चक्कर लगाते हुए आते हैं, जिनमें देखने को मिलता है कि डेड पेन एंटी और नारकोटिक जो है ऑफिसर प्रोसून जो है जिमी त्रिवेदी के साथ वहाँ पे आते हैं। आगे दोस्तों देखने को मिलता है दीपक दुबारियल नाम का एक मृत आंखों वाला प्रतिद्वंदी शामिल है इन सब चीजों में, जो एक अलग कहानी जरूर देखने को इसके अंदर मिलता है हमें। दोस्तों इस सीरीज में शुरुआती घाट जिसे जो है सावित्री और उसके जो है मंडली ने अपनी जो है हवेली में सफलतापूर्वक विफल कर दिया चाकू मारकर, और इसके अलावा फुलदान और यहां पे बेड तरतीब जो है ट्रिंग केट से जो है उड़ान भरा, क्योंकि संशोधन वादिन के बारे में हम बात कर ले तो उनका रोग का संकेत यह है कि श्रृंखला लेने के लिए तैयार किया गया, फिर भी जो है जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है हमें एहसास होता है कि सास बहू और फ्लेमिंगो डेली सोप ओपेरा में शामिल है, जहां आकर्षित ये होता है कि जितना कि ये और उतना कर रहा है। सावित्री को उनके जो है अनुयायी रानी बाकी रूप में संबोधित किया गया है। शो के लिए एक जो है बैकलिप शीर्षक यानी, और इसके अलावा बता दें कि कभी हो सकता था कि जब यानी कि उसके बेटे अमेरिका से बेखबर जो है कॉर्पोरेट आते हैं, तो एक अलग ही कहानी इसमें देखने को मिलता है। आगे दोस्तों होमी और उनके जो है लेखक अपने पन की इस जो है भावना को बड़ी जो है शिद्दत से झाड़ने की कोशिश करते हैं। आगे बिजली और उसका पति आशीष वर्मा एक जो है खुशनुमा माहौल से बाहर आते हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे होते क्योंकि वह मुंबई के एक डीजे के साथ जो है समलैंगिक संबंधों में है। शांता और धीमान उदित अरोड़ा के बारे में हम बात कर ले तो उपरोक्त और यहाँ पे तीसरा बेटा यौन और भावनात्मक रूप से जो जुड़ा हुआ है इसके अंदर। एक संदर्भ ये है कि शायद गेम ऑफ जो है थ्रोन्स है, क्योंकि यहाँ पे कैरिसिस और यहाँ पे जमील के साथ जो है बीच अनाचारपूर्ण संबंध था, हालांकि उन उत्साहित जुड़ाव बच्चों के विपरीत था, क्योंकि यहाँ पे शांता और धीमान रक्त भाई बहन नहीं है, ये भी जानने को आगे मिलता है। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी तो आपको याद होगा, जो सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होगी, तो इस जो है यानी कि दानेदार और सीमावर्ती नाटक में यहाँ पे आपको बता दें परघो गीकी के साथ जो है, और इसके अलावा वैश्वीकरण के लिए अधिक जो है आकर्षण है। ये क्लासिक होमी क्षेत्र है जो एक अच्छी तरह से यात्रा करने वाला बॉम्बे लड़का और वजवे शहरी अर्थ पर यहाँ पे शहरी और यहाँ पे महानगरीय भारत के बीच की जहाँ पे दूरियों को मिटाने में सबसे अच्छा है। गैंग्स ऑफ वासेपुर के पेजर्स के हम बारे में हम बात कर ले तो यहाँ पे अपडेट करते हुए उनके पात्र यानी कि हेडफोन द्वारा ये लिखा गया है कि उनके द्वारा दोस्तों ये लिखा गया है कि यहाँ पे हेडफोन स्मार्ट वॉच और वीआर हेडसेट लेकर जो घूमते हैं हम जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर ले तो माध्यम से मनी और यहाँ पे लोन ड्रिंक देखते हैं, जो एक जो है मर्मस इस पत्र और ब्यूरन में आता है, जो सावित्री रात में सितारों का एक महंगे दिखने वाले यहाँ पे टेलीस्कोप से सर्वेक्षण करती है। तो दोस्तों बता दें ये सीरीज आपको अभी यूरोप पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसको डिज्नी प्लस पर रखा गया है। फिल्म में टिम्बल कबाड़िया शो को एक साथ रखती है, वह एक सावित्री को तनय और लेकिन कठोर के रूप में चित्रित करती है, और उसकी दृढ़ता और तप से जो है संकेत मिला है कि कैसे वह हाथ से यहाँ पे मोमबत्तियों पर मुहर लगाती है। बिजली के रूप में ईशा तलवार उसकी लिव इन क्रूरता से मेल जरूर खाती है, लेकिन दोस्तों मदन और धर के प्रदर्शन के बारे में हम बात कर ले तो एक अलग ही चीज देखने को मिलता है। श्रृंखला नाजुक पुरुष आह के अपने जो है मैलिकों के साथ जो है डटलिंग और मजाकिया तरीके से है। इसके अलावा दोस्तों सावित्री के छोटे बेटे के बारे में हम बात करें तो वरुण मित्रा को पता चलता है कि यहाँ पे करोड़ों का साम्राज्य चलाया जाता है, और यहाँ पे हर महीने $500 से भेजा जाता है, जो कि काजल ने उसे जो आश्वस्त करते हुए कहा कि एक माँ की नज़र में ये सब जो है आसान नहीं होता। दोस्तों बता दें सीरीज में आपको एक इमोशनल कहानी भी देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इस सीरीज को
देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस पे ये सीरीज आपको अभी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं सास बहू और फ्लेमिंगो फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों, ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा स्ट्रीमिंग टेलीविजन श्रृंखला है जिसे होमी अदजानिया द्वारा निर्मित किया गया है और निर्देशित किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो मैड डॉग फिल्म के तहत इस फिल्म को बनाया गया है, निर्मित किया गया है। तो दोस्तों, फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में डिंपल कबाडिया, राधिका मदान और ईशा तलवार और उनके अलावा अंगिरा धर, दीपक डुबारियल और मोनिका डोगरा और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों की टुकड़ी इस फिल्म में शामिल है। इसके अलावा दोस्तों, इस श्रृंखला का प्रीमियर 5 मई 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हुआ है। द हिंदू ने लिखा है कि श्रृंखला नाजुक पुरुष आह के अपने जो है मौलिक कोडलिंग और इसके अलावा मजाकिया तरीके से किए गए हैं और ये एक मनोरंजन सीरीज होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस सीरीज को देखना चाहते हो तो ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी में देखने को मिल जाता है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस मूवी के रिव्यू रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले Rediff.com की तरफ से सुकन्या वर्मा ने इसके बारे में लिखा है कि ये सीरीज सेक्स, हिंसा और ड्रग्स पर श्रृंखला को ओवरडोज महसूस करवाता है और अपनी समीक्षा में उन्होंने लिखा इसके टेरे मेरे जो है ब्रह्मांड और इसके जो है छायादार जो है और साथ ही साथ दोस्तों काम काज को जो है फर्जी की तरफ विस्तारित दिया गया है, विस्तार से दर्ज करने का प्रयास किया गया उन्होंने बताया है। लेकिन दोस्तों, कोई भी यानी कि साहस नहीं है क्योंकि बंदूक है और यहाँ पे घाघरा एक के लिए बनाते हैं जहाँ पे आपको बता दें पंच लाइन ठीक है लेकिन यहाँ पे भावनाओं के अभाव में इमेजरी फीकी लगती है देखने में। अब दोस्तों, आगे देखने को मिलता है कि इंडिया टुडे के एक लोचक ने श्रृंखला को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा है कि सास बहू और फ्लेमिंगो एक ऐसा सीरीज है जहां महिलाएं सबसे आगे हैं। आपके बता दें, आपके चेहरे पर कोई जो है नारीवाद नहीं चल रहा है लेकिन दोस्तों ये सिर्फ जो है बहुत निष्पक्ष और ताज़ा महसूस करवाता है। अलग के बारे में हम बात करें तो उसी प्रकृति के थेपे गए शो है जो आप जो है देख सकते हैं। यहाँ तक जो है महिलाएं यानी कि अबला नहीं है लेकिन कम से कम जो है तैयार होने पर भी पुरुषों की पीड़ा और भीड़ का जो है सामना जरूर कर सकती है। अब दोस्तों, रिव्यू करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, उत्तर पश्चिमी भारत की खुशी और बंजर भूमि में शो की जो है शेटिंग किए गए हैं और ये एकदम सही है और प्रत्येक पात्र की वेशभूषण और श्रृंखला पर प्रभावशाली भी पड़ता है क्योंकि प्राचीन टैटू और जातीय के साथ जो है आभाषणों के साथ पूर्ण देहाती मेकओवर दिया गया है इस फिल्म के अंदर। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है डिंपल कबाड़िया धारा उत्तर भारतीय रेगिस्तानी शहर सात और फिलिंगों में ड्रग डीलरों के परिवार की या दोस्तों श्रृंखला में देखने को मिलता है। डीलरों के परिवार की मातृभूमि के रूप में एक थ्रिलर का नेतृत्व किया गया जो हमें तूतरीपूर्ण शक्त और अप्रिय महिलाओं की दुनिया में पहुंचाता है जो अपनी शर्तों पर पूरी तरह से रानी आकार का जीवन जीती हैं। फिल्म में दोस्तों महिलाएं शक्ति का लाभ उठाती है लेकिन अपने निडर जो है तरीकों के लिए कीमत भी चुकाती है। पुरस्कार के बारे में बात किया जाए तो प्रतिशोध के बीच संघर्ष यहाँ पे आपरम पारगत जो है पारिवारिक नाटक का मूल है जो एक हद तक जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के आर्य पर एक विचित्र ग्रामीण भिन्नरता का साथ दिया गया है। मजबूत माहौल ये है कि एक ऐसी कहानी है फिल्म में जो भावनाओं और एक्शन से भरी हुई है और कई ठोस प्रदर्शन दिए गए हैं और एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो कि ट्विस्ट और टर्न का एक पूरा तर्क प्रदान करता है जो सास बहू और फ्लेमिंगो को एक जो संतोषजनक जरूरी नहीं की जा सकती है जिसकी वजह से शानदार शो बनने के लिए ये तैयार है। इसके अलावा दोस्तों इसके एपिसोड के बारे में हम बात कर ले तो 8 एपिसोड हॉटस्टार पे रिलीज कर दिया गया है स्पेशल सीरीज जो है। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल सीरीज विस्फोटक और धीमी जलन तना हुआ और यहाँ पे घुमावदार के बीच बैकलिप तैयार किया गया है। ये एक बेकार परिवार का अनुसरण करता है जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो सतह पर दिखाई देता है। ये शायद ही आश्चर्य की बात है कि यहाँ पे अधिकांश कहानी एक गुप्त बंकर में सामने आती है।
वह स्थान जहां पर परिवार अपनी यहां पे अफीम उगाते हैं चुपके से, एक ऐसी जगह जहां जिसका जो है बाकी दुनिया को कोई भी यानी कि आभास ही नहीं है। दोस्तों देखने को मिलता है कि सीरीज में कई जो है भयवा रिश्ते सामने आते हैं जो लिंग अनाचार की सीमा पर बिना जो है पढ़े दिल तोड़ने वाले विशुद्ध रूप से जो है रोमांटिक होते हैं। दोस्तों असहज और यहाँ पे पराज सुप्रीक के साथ जो है समीकरण उस नाजुक जो है संतुलन को यहाँ पे बिगाड़ने की धमकी देते हैं सीरीज में, जो बच्चे को एक साथ रखता है परिवार के भीतर एक उत्तराधिकार युद्ध जो है छिड़ जाता है देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें व्यवसाय चलाने वाली महिला और औपचारिक रूप से अपने साम्राज्य के कानूनी उत्तराधिकारी का नाम देने के इरादे की घोषणा करती है एक दिन। दोस्तों आगे देखने को मिलता है सास बहू और गतिशील को अपने सिर पर मोड़ने और वसंत आश्चर्य की अपनी जो है सहज क्षमता के लिए खनन करने के अलावा क्राइम ड्रामा एक रोमांचक जो है खतानक प्रदान करता है, जिसमें दोस्तों महिलाएं सभी शॉट्स को बुलाती है और यहां तक कि उनके यहां पे आसपास के पुरुष वह सब करते हैं जो वह नहीं कर सकते, उनके लिए आसान है। लेकिन ये शो लैंगिक विभाजन और उसके प्रभाव के बारे में इतना नहीं है, क्योंकि ये महत्वाकांक्षा और पारिवारिक बंधनों और इसके नतीजों के बीच संघर्ष के बारे में ये शो बात करता है। अब दोस्तों ये श्रृंखला समान गति से नहीं है, क्योंकि इसके कुछ हिस्से एक स्पर्श सुस्त और घूमने वाले हैं, लेकिन जब भी ये गति पकड़ता है तो अपनी जो है पटियों को हिट जरूर करता है। सास बहू और फ्लेमिंगो यहाँ पे होमी अजानिया धारा निर्मित की गई है, जो निर्देशक के बारे में हम बात कर ले तो पूरी तरह से आकर्षक और मनोरंजन तरीके से इसको तैयार किया गया है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे नंदिनी गुप्ता और अमन मन्नान की भावपूर्ण स्क्रिप्ट हमें फिल्म में देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बतला दे राणा प्रदेश नामक एक प्रांत में एक काल्पनिक जो है रेगिस्तान में स्थापित की गई श्रृंखला मिट्टी की पृष्ठभूमि का बहुत अच्छा उपयोग करती है, जिसे जो है फोटोग्राफी के निर्देशक और लीनेश देसाई के लेंस के माध्यम से विचार किया गया है जो कैप्चर किया गया उनके साथ। ये एक ऐसा परिदृश्य है जहाँ सावित्री डिम्पल कपाड़िया के लिए हर कोने पर खतरा मंडराता है, जो एक हवेली से है जो कई रहस्य छुपाती है। आगे देखने को मिलता है एक अवैध व्यापार करती है जिसे यहाँ पे व्यंजनात्मक रूप से रानी सहकारी कहा जाता है उन्हें, इसका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ऊपर है, लेकिन कोई भी ये पता नहीं लगा सकता है कि एक समय यानी कि सहायता समूह की तर्ज पर चलने वाला व्यवसाय इतना बड़ा पैसा बनाने वाले कैसे हो सकते हैं। अब दोस्तों वहाँ पे हस्तीपुर में एक पुलिस स्टेशन के बिना एक चौकी सावित्री वास्तव में सभी जो सर्वेक्षणों की रानी है, उसकी विद्रोह बेटी शांता राधिका मदान और दो चंचल बहुए हैं, जहाँ बिजली ईशा तलवार और काजल के साथ जो अंगिरा धर पे है उसके साथ दोस्तों काम कर दिया, और एक दुर्जय के साथ जो है एक दुर्जय चौकती है जो कि जिसके नीचे होने पर कोई भी यानी कि आपको क्वार्टर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों बता दें पे बदमाश लड़कियों के लिए अक्सर कठिन ये हो जाता है, लेकिन वह उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी जो है जमीन पर टिकी रहती है, जिनका सामना वह एक दर्शन विचार कोकीन डिलीवर से करती है। दीपक दुबारियल के बारे में हम बात कर ले तो एक नशीले पदार्थों के विरोधी सहायक पुलिस आयुक्त जो है प्रसून जैसे हैं, जहाँ पे जिमीत के साथ बता दे त्रिवेदी से की है, जो कि स्पष्ट संक्षिप्त विवरण के साथ मुंबई से राणा प्रदेश स्थानांतरित कर देती है फिल्म में। अब दोस्तों आगे देखने को मिलता है सावित्री के दो जो है झगड़ालू बेटे हैं हरीश और आशीष वर्मा, जो कपिल वरुण मित्रा के साथ अपनी मां के व्यवसाय की वास्तविक जो है प्रकृति से अनभिज्ञ है। दो व्यक्ति जो है अमेरिका से लौटते हैं, उनकी पत्नियां कुछ भी नहीं बताती हैं, क्योंकि दुनिया के एक कोने में पैर जमाने की कोशिश में ये जोड़ी एक चीज से दूसरी चीज पर जो है लड़खड़ाती है, जो अब उनके लिए अलग हो गया है। सावित्री के दत्तक पुत्र और उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी में से एक धीमान उदित अरोरा के लिए दोनों भाई और बहनों का कोई भी प्यार नहीं मिलता है। तनाव बढ़ते चला जाता है दोनों में, क्योंकि यहाँ पे कोक और सूंघने वाले हरीश और अधिक जो है चौकस पे कपिल धीमा हो जाते हैं। दोस्तों देखने को मिलता है कि उत्तराधिकार युद्ध में एक प्रमुख जो है प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं, इसके अलावा उनकी बहन और धीमान के बीच एक संबंध जो है चिंता के कारण बन जाता है सीरीज के अंदर।
लेकिन दोस्तों इधर अडिग सावित्री कितनी भी दृढ़ और एक काकरा क्यों ना कर लो, यहाँ पे उल्टा उसके अस्तित्व का एक हिस्सा बना हुआ है। एक बैक के स्टोरी के बारे में हम बात कर ले तो यहाँ पे एक बंजारा महिला के एक जो है दबंग और यहाँ पे अभिज्ञ सरगना में परिवर्तन के पीछे के कारणों को प्रकट करती है। ये उन परिस्थितियों की ओर भी इशारा करता है जिसमें सावित्री ने उतार चढ़ाव की एक जो है चौथाई सदी की यात्रा में दोस्ती की और दुश्मनों को बनाया। जब दोस्तों एक पुलिस वाले का फोन आता है तो सावित्री ये कहती है कि बंजारों का घर नहीं होता है, उनका तो सिर्फ रास्ता ही होता है, क्योंकि बंजारा कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी नाच गा और कहीं भी रह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और ये कहती कि यहाँ तो मारो या फिर मरो, महिलाओं को घेरने वाले सभी खतरों के बीच में वह इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि जीवित रहने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। विशेष रूप से दिलचस्प युवा जो शान का चरित्र बना हुआ है सीरीज में। आगे दोस्तों सीरीज में देखने को मिलता है जो पहिया में एक महत्वपूर्ण दल है, वो उन पंतियों के फीते जो है बांधती है, इन्हें उसकी माँ एक जो है रसायन के साथ उगाती है जो दवा को बहुत मजबूत बनाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंगो कहे जाने वाले रानी के साथ जो है यहाँ पे कोआ प्रेरित धारा उत्पादित जो है शक्तिशाली यौगिक के देश में भरे और इसकी सीमाओं में किया जाता है ये सब चीजें। दोस्तों आगे शुरुआती एपिसोड में एक नाइट क्लब में ड्रग ओवरडोज के कारण यहाँ पे उप मुख्यमंत्री का बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंगो का एक जो है पैकेट मुंबई और पुलिस धारा जो है जब्त कर लिया जाता है। और एक एंटी के बारे में हम बात कर ले तो नारकोटिक्स एजेंट राणा परदेश के सोत्रा का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पे घातक दवा और पुलिस का मिशन साजिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिंपल कबाड़िया फिल्म में एक प्रभावशाली स्टार टर्न के साथ शो को शक्ति प्रदान तो करती है, लेकिन राधिका मदान ने एक यहाँ पे बता दे सारगर्भित युवा महिला को उकेरा है जो अपने लिए मायने रखने वाली चीजों की खोज में एक इंच भी पीछे नहीं हटती है। ईशा तलवार के बारे में बात कर ले तो अंगिरा धर दोनों बहुओं के रूप में बहुत अच्छे अभिनय किए हैं। कलाकारों में पुरुष कलाकार जिनमें से जो है नसीरुद्दीन शाह और दीपक दुबारियल शामिल है दूसरी भूमिका निभाते हैं फिल्म में। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आशीष वर्मा, वरुण मित्रा और उदित अरोड़ा के बारे में हम बात कर ले तो तीनों पुरुषों की भूमिका निभा रहे हैं जो रानी को यानी कि ऑपरेटिव पर नियंत्रण पाने की उम्मीद पर है। एक पुलिस वाले के रूप में जिमी त्रिवेदी कोई भी यानी कि धक्का देने वाले नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट उन्हें पर्याप्त स्पेस देती है और वह इसका पूरा फायदा भी उठाते हैं इस सीरीज के अंदर। इसके अलावा दोस्तों बतला दे गैंग्स ऑफ वासेपुर जो भाग वन 2012 के प्रतिष्ठित उद्घाटन शॉट में आया था, क्योंकि यहाँ पे सास भी कभी बहुत ही ये भूमिका निभाने वाली एक टेलीविजन स्क्रीन आने वाली गोल यूज से यहाँ पे चकनाचूर हो जाती है। आगे इस दृश्य में एक मिशन स्टेंटमैन के रूप में कार्य किया, क्योंकि यहाँ पे वासीपुर एक पारिवारिक गथा बनने जा रहा है जैसे कोई और नहीं बन सकता। अब 11 साल बाद सास बहू और फ्लेमिंगो अपने टाइटल के साथ कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है, क्योंकि श्रृंखला होमी अज्ञान या धारा निर्देशित किया गया और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे स्ट्रीमिंग किया गया है। एक अवैध व्यापार में लगे परिवार के बारे में ये कहानी है, जो फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ अनुराग कश्यप के खून से लथपथ जो है कोयला यानी कि तस्करों के महाकाव्य के विपरीत इस शो में नायक महिलाएं हैं। बता दे दोस्तों सोचिए अगर यहाँ पे नगमा और उनके अलावा मोहसिना और शमा होती तो एक गुप्त ड्रग के साथ जो है कोटेल चलाते हैं, जिसके बारे में यहाँ पे सरदार खान फैजल और यहाँ पे दानिश को कोई जो है जानकारी नहीं मिली थी। दोस्तों इस सीरीज के अंदर सावित्री यानी कि डिंपल कबारिया रानी को ऑपरेटिव चलाते हुए दिखाया गया, जो यहाँ पे हस्तशिल्प और यहाँ पे औषधि जड़ी बूटियों का उत्पादन करती है। वह उत्तर पश्चिम भारत के एक काल्पनिक सीमावर्ती शहर हस्तीपुर की महिलाओं की मात्र सत्ता और धर्म माता है, जहाँ सहकारी हम जल्दी से सीखते हैं कि एक अवारण यान सावित्री का असली जो है धंधा कुकीन है, क्योंकि उसके यहाँ पे संचालन में उसकी बेटी शांता और राधिका मदान और दो बहुओं काजल और अंगिरा धर शामिल है।
और दोस्तों बिजली के बारे में बात की जाए तो ईशा तलवार द्वारा मदद की जाती है जब उनके सिग्नेचर और यहाँ पे फ्लेमिंगो उत्पाद के मिलावटी जो संस्करण ने एक राजनेता के बेटे को कोमा में डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे सावित्री को एहसास हुआ कि इसके लिए नरक की कीमत चुकानी होगी। विभिन्न यानी कि गिद्ध और चक्कर लगाते हुए आते हैं जिनमें देखने को मिलता है कि डेड पेन एंटी और नार्कोटिक जो है ऑफिसर प्रोसून जो है जिमी त्रिवेदी के साथ वहाँ पे आते हैं। आगे दोस्तों देखने को मिलता है दीपक दुबारियल नाम का एक मृत आंखों वाला प्रतिद्वंदी शामिल है इन सब चीज़ों में, जो एक अलग कहानी जरूर देखने को इसके अंदर मिलता है हमें। दोस्तों इस सीरीज में शुरुआती घाट जिसे जो है सावित्री और उसके जो है मंडली ने अपनी जो है हवेली में सफलतापूर्वक विफल कर दिया चाकू मारकर, और इसके अलावा फुलदान और यहाँ पे बेड तरतीब जो है ट्रिंग केट से जो है उड़ान भरा, क्योंकि संशोधन वादिन के बारे में हम बात कर ले तो उनका रोग का संकेत यह है कि श्रृंखला लेने के लिए तैयार किया गया, फिर भी जो है जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है हमें एहसास होता है कि सास बहू और फ्लेमिंगो डेली सोप ओपेरा में शामिल है, जहां आकर्षित ये होता है कि जितना कि ये और उतना कर रहा है। सावित्री को उनके जो है अनुयायी रानी बाकी रूप में संबोधित किया गया है। शो के लिए एक जो है बैकलिप शीर्षक यानी, और इसके अलावा बता दें कि कभी हो सकता था कि जब यानी कि उसके बेटे अमेरिका से बेखबर जो है कॉर्पोरेट आते हैं, तो एक अलग ही कहानी इसमें देखने को मिलता है। आगे दोस्तों होमी और उनके जो है लेखक अपने पन की इस जो है भावना को बड़ी जो है शिद्दत से झाड़ने की कोशिश करते हैं। आगे बिजली और उसका पति आशीष वर्मा एक जो है खुशनुमा माहौल से बाहर आते हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे होते क्योंकि वह मुंबई के एक डीजे के साथ जो है समलैंगिक संबंधों में है। शांता और धीमान उदित अरोड़ा के बारे में हम बात कर ले तो उपरोक्त और यहाँ पे तीसरा बेटा यौन और भावनात्मक रूप से जो जुड़ा हुआ है इसके अंदर। एक संदर्भ ये है कि शायद गेम ऑफ जो है थ्रोन्स है, क्योंकि यहाँ पे कैरिसिस और यहाँ पे जमील के साथ जो है बीच अनाचारपूर्ण संबंध था, हालांकि उन जो उत्साहित जुड़ाव बच्चों के विपरीत था, क्योंकि यहाँ पे शांता और धीमान रक्त भाई बहन नहीं है, ये भी जानने को आगे मिलता है। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी तो आपको याद होगा, जो सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होगी, तो इस जो है यानी कि दानेदार और सीमावर्ती नाटक में यहाँ पे आपको बता दें परघो गीकी के साथ जो है, पर इसके अलावा वैश्वीकरण के लिए अधिक जो है आकर्षण है। ये क्लासिक होमी क्षेत्र है जो एक अच्छी तरह से यात्रा करने वाला बॉम्बे लड़का और वजवे शहरी अर्थ पर यहाँ पे शहरी और यहाँ पे महानगरीय भारत के बीच की जहाँ पे दूरियों को मिटाने में सबसे अच्छा है। गैंग्स ऑफ वासेपुर के पेजर्स के हम बारे में हम बात कर ले तो यहाँ पे अपडेट करते हुए उनके पात्र यानी कि हेडफोन द्वारा ये लिखा गया है कि यहाँ पे हेडफोन स्मार्ट वॉच और वीआर हेडसेट लेकर जो है घूमते हैं। हम जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर ले तो माध्यम से मनी और यहाँ पे लोन ड्रिंक देखते हैं, जो एक जो है मर्मस स्पत्री और ब्यूरन में आता है, जो सावित्री रात में सितारों का एक महंगे दिखने वाले यहाँ पे टेलीस्कोप से सर्वेक्षण करती है। तो दोस्तों बता दें ये सीरीज आपको अभी यूरोप पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसको डिज्नी प्लस पे रखा गया है। फिल्म में टिम्बल कबाड़िया शो को एक साथ रखती है, वह एक सावित्री को तनय और लेकिन कठोर के रूप में चित्रित करती है, और उसकी दृढ़ता और तप से जो है संकेत मिला है कि कैसे वह हाथ से यहाँ पे मोमबत्तियों पर मुहर लगाती है। बिजली के रूप में ईशा तलवार उसकी लिव इन क्रूरता से मेल जरूर खाती है, लेकिन दोस्तों मदन और धर के प्रदर्शन के बारे में हम बात कर ले तो एक अलग ही चीज देखने को मिलता है। श्रृंखला नाजुक पुरुष आ के अपने जो है मैलिको के साथ जो है डटलिंग और मजाकिया तरीके से है। इसके अलावा दोस्तों सावित्री के छोटे बेटे के बारे में हम बात करें तो वरुण मित्रा को पता चलता है कि यहाँ पे करोड़ों का साम्राज्य चलाया जाता है और यहाँ पे हर महीने $500 से भेजा जाता है, जो कि काजल ने उसे जो आश्वस्त करते हुए कहा कि एक माँ की नज़र में ये सब जो है आसान नहीं होता। दोस्तों बता दें सीरीज में आपको एक इमोशनल कहानी भी देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस पे ये सीरीज आपको अभी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा,
ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं सास बहू और फ्लेमिंगो फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों, ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा स्ट्रीमिंग टेलीविजन श्रृंखला है, जिसे होमी अदजानिया द्वारा निर्मित किया गया है और निर्देशित किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो मैड डॉग फिल्म के तहत इस फिल्म को बनाया गया है, निर्मित किया गया है। तो दोस्तों, फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों, इस फिल्म में डिम्पल कबाडिया, राधिका मदान और ईशा तलवार और उनके अलावा अंगिरा धर, दीपक डुबारियल और मोनिका डोगरा और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों की टुकड़ी इस फिल्म में शामिल है। इसके अलावा दोस्तों, इस श्रृंखला का प्रीमियर 5 मई 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हुआ है। द हिंदू ने लिखा है कि श्रृंखला नाजुक पुरुष आह के अपने जो है मौलिक कोडलिंग और इसके अलावा मजाकिया तरीके से किए गए हैं और ये एक मनोरंजन सीरीज होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस सीरीज को देखना चाहते हो तो ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी में देखने को मिल जाता है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस मूवी के रिव्यू रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले Rediff.com की तरफ से सुकन्या वर्मा ने इसके बारे में लिखा है कि ये सीरीज सेक्स, हिंसा और ड्रग्स पर श्रृंखला को ओवरडोज महसूस करवाता है और अपनी समीक्षा में उन्होंने लिखा, इसके टेरे मेरे जो है ब्रह्मांड और इसके जो है छायादार जो है और साथ ही साथ दोस्तों काम काज को जो है फर्जी की तरफ विस्तारित दिया गया है, विस्तार से दर्ज करने का प्रयास किया गया उन्होंने बताया है। लेकिन दोस्तों, कोई भी यानी कि साहस नहीं है क्योंकि बंदूक है और यहाँ पे घाघरा एक के लिए बनाते हैं, जहाँ पे आपको बता दें पंच लाइन ठीक है लेकिन यहाँ पे भावनाओं के अभाव में इमेजरी फीकी लगती है देखने में। अब दोस्तों, आगे देखने को मिलता है कि इंडिया टुडे के एक लोचक ने श्रृंखला को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा है कि सास बहू और फ्लेमिंगो एक ऐसा सीरीज है जहां महिलाएं सबसे आगे हैं। आपके बता दे, आपके चेहरे पर कोई जो है नारीवाद नहीं चल रहा है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ जो है बहुत निष्पक्ष और ताज़ा महसूस करवाता है। अलग के बारे में हम बात करें तो उसी प्रकृति के थेपे गए शो है जो आप जो है देख सकते हैं। यहाँ तक जो है महिलाएं यानी कि अबला नहीं है, लेकिन कम से कम जो है तैयार होने पर भी पुरुषों की पीड़ा और भीड़ का जो है सामना जरूर कर सकती है। अब दोस्तों, रिव्यू करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, उत्तर पश्चिमी भारत की खुशी और बंजर भूमि में शो की जो है शेटिंग किए गए हैं और ये एकदम सही है और प्रत्येक पात्र की वेशभूषण और श्रृंखला पर प्रभावशाली भी पड़ता है क्योंकि प्राचीन टैटू और जातीय के साथ जो है आभाषणों के साथ पूर्ण देहाती मेकओवर दिया गया है इस फिल्म के अंदर। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों, फिल्म में दिखाया गया है डिम्पल कबाड़िया धारा उत्तर भारतीय रेगिस्तानी शहर सासमो और फ्लेमिंगो में ड्रग डीलरों के परिवार की या दोस्तों श्रृंखला में देखने को मिलता है। डीलरों के परिवार की मातृभूमि के रूप में एक थ्रिलर का नेतृत्व किया गया जो हमें तूतरीपूर्ण शक्त और अप्रिय महिलाओं की दुनिया में पहुंचाता है जो अपनी शर्तों पर पूरी तरह से रानी आकार का जीवन जीती है। फिल्म में दोस्तों महिलाएं शक्ति का लाभ उठाती है लेकिन अपने निडर जो है तरीकों के लिए कीमत भी चुकाती है। पुरस्कार के बारे में बात किया जाए तो प्रतिशोध के बीच संघर्ष यहाँ पे आपरम पारगत जो है पारिवारिक नाटक का मूल है जो एक हद तक जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के आर्य पर एक विचित्र ग्रामीण भिन्नरता का साथ दिया गया है। मजबूत माहौल ये है कि एक ऐसी कहानी है फिल्म में जो भावनाओं और एक्शन से भरी हुई है और कई ठोस प्रदर्शन दिए गए हैं और एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो कि ट्विस्ट और टर्न का एक पूरा तर्क प्रदान करता है जो सास बहू और फ्लेमिंगो को एक जो संतोषजनक जरूरी नहीं की जा सकती है, जिसकी वजह से शानदार शो बनने के लिए ये तैयार है। इसके अलावा दोस्तों, इसके एपिसोड के बारे में हम बात कर ले तो 8 एपिसोड हॉटस्टार पे रिलीज कर दिया गया है स्पेशल सीरीज जो है। जी हाँ दोस्तों, स्पेशल सीरीज विस्फोटक और धीमी जलन तना हुआ और यहाँ पे घुमावदार के बीच बैकलिप तैयार किया गया है। ये एक बेकार परिवार का अनुसरण करता है जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो सतह पर दिखाई देता है। ये शायद ही आश्चर्य की बात है कि यहाँ पे अधिकांश कहानी एक गुप्त बंकर में सामने आती है, वह स्थान जहाँ पर परिवार अपनी यहाँ पे अफीम उगाते हैं चुपके से, एक ऐसी जगह जहाँ जिसका जो है बाकी दुनिया को कोई भी यानी कि आभास ही नहीं है। दोस्तों देखने को मिलता है कि सीरीज में कई जो है भयवा रिश्ते सामने आते हैं जो लिंग अनाचार की सीमा पर बिना जो है पढ़े दिल तोड़ने वाले विशुद्ध रूप से जो है रोमांटिक होते हैं। दोस्तों असहज और यहाँ पे परास्तप्रिक के साथ जो है समीकरण उस नाजुक जो है संतुलन को यहाँ पे बिगाड़ने की धमकी देते हैं सीरीज में, जो बच्चे को एक साथ रखता है
परिवार के भीतर एक उत्तराधिकार युद्ध जो है छिड़ जाता है देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें व्यवसाय चलाने वाली महिला और औपचारिक रूप से अपने साम्राज्य के कानूनी उत्तराधिकारी का नाम देने के इरादे की घोषणा करती है। एक दिन दोस्तों आगे देखने को मिलता है सास बहू और गतिशील को अपने सिर पर मोड़ने और वसंत आश्चर्य की अपनी जो है सहज क्षमता के लिए खनन करने के अलावा क्राइम ड्रामा एक रोमांचक जो है खतानक प्रदान करता है, जिसमें दोस्तों महिलाएं सभी शॉट्स को बुलाती है और यहां तक कि उनके यहां पे आसपास के पुरुष वह सब करते हैं जो वह नहीं कर सकते, उनके लिए आसान है। लेकिन ये शो लैंगिक विभाजन और उसके प्रभाव के बारे में इतना नहीं है, क्योंकि ये महत्वाकांक्षा और पारिवारिक बंधनों और इसके नतीजों के बीच संघर्ष के बारे में ये शो बात करता है। अब दोस्तों ये श्रृंखला समान गति से नहीं है, क्योंकि इसके कुछ हिस्से एक स्पर्श सुस्त और घूमने वाले हैं, लेकिन जब भी ये गति पकड़ता है तो अपनी जो है पटियों को हिट जरूर करता है। सास बहू और फ्लेमिंगो यहाँ पे होमी अजानिया धारा निर्मित की गई है, जो निर्देशक के बारे में हम बात कर ले तो पूरी तरह से आकर्षक और मनोरंजन तरीके से इसको तैयार किया गया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे नंदिनी गुप्ता और अमन मन्नान की भावपूर्ण स्क्रिप्ट हमें फिल्म में देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बतला दे राणा प्रदेश नामक एक प्रांत में एक काल्पनिक जो है रेगिस्तान में स्थापित की गई श्रृंखला मिट्टी की पृष्ठभूमि का बहुत अच्छा उपयोग करती है, जिसे जो है फोटोग्राफी के निर्देशक और लीनेश देसाई के लेंस के माध्यम से विचार किया गया है, जो कैप्चर किया गया उनके साथ। ये एक ऐसा परिदृश्य है जहाँ सावित्री डिंपल कपाड़िया के लिए हर कोने पर खतरा मंडराता है, जो एक हवेली से है जो कई रहस्य छुपाती है। आगे देखने को मिलता है एक अवैध व्यापार करती है, जिसे यहाँ पे व्यंजनात्मक रूप से रानी सहकारी कहा जाता है उन्हें। इसका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ऊपर है, लेकिन कोई भी ये पता नहीं लगा सकता है कि एक समय यानी कि सहायता समूह की तर्ज पर चलने वाला व्यवसाय इतना बड़ा पैसा बनाने वाले कैसे हो सकते हैं। अब दोस्तों वहाँ पे हस्तीपुर में एक पुलिस स्टेशन के बिना एक चौकी सावित्री वास्तव में सभी जो सर्वेक्षणों की रानी है। उसकी विद्रोह बेटी शांता राधिका मदान और दो चंचल बहुएं हैं, जहाँ बिजली ईशा तलवार और काजल के साथ जो अंगीरा धर्पे है उसके साथ दोस्तों काम कर दिया, और एक दुर्जय के साथ जो है एक दुर्जय चौकती है, जो कि जिसके नीचे होने पर कोई भी यानी कि आपको क्वार्ट देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों बता दें पे बदमाश लड़कियों के लिए अक्सर कठिन ये हो जाता है, लेकिन वह उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी जो है जमीन पर टिकी रहती है, जिनका सामना वह एक दर्शन विचार कोकीन डिलीवर से करती है। दीपक दुबारियाल के बारे में हम बात कर ले तो एक नशीले पदार्थों के विरोधी सहायक पुलिस आयुक्त जो है प्रसून जैसे हैं, जहां पे जिमीत के साथ बता दे त्रिवेदी से की है, जो कि स्पष्ट संक्षिप्त विवरण के साथ मुंबई से राणा प्रदेश से स्थानांतरित कर देती है फिल्म में। अब दोस्तों आगे देखने को मिलता है सावित्री के दो जो है झगड़ालू बेटे हैं हरीश और आशीष वर्मा, जो कपिल वरुण मित्रा के साथ अपनी मां के व्यवसाय की वास्तविक जो है प्रकृति से अनभिज्ञ है। दो व्यक्ति जो है अमेरिका से लौटते हैं, उनकी पत्नियां कुछ भी नहीं बताती हैं, क्योंकि दुनिया के एक कोने में पैर जमाने की कोशिश में ये जोड़ी एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर जो है लड़खड़ाती है, जो अब उनके लिए अलग हो गया है। सावित्री के दत्तक पुत्र और उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी में से एक धीमान उदित अरोरा के लिए दोनों भाई और बहनों का कोई भी प्यार नहीं मिलता है। तनाव बढ़ते चला जाता है दोनों में, क्योंकि यहाँ पे कोक और सूंघने वाले हरीश और अधिक जो है चौकस पे कपिल धीमा हो जाते हैं। दोस्तों देखने को मिलता है कि उत्तराधिकार युद्ध में एक प्रमुख जो है प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। इसके अलावा उनकी बहन और धीमान के बीच एक संबंध जो है चिंता के कारण बन जाता है सीरीज के अंदर। लेकिन दोस्तों इधर अधिक सावित्री कितनी भी दृढ़ और एक काकरा क्यों ना कर लो, यहाँ पे उल्टा उसके अस्तित्व का एक हिस्सा बना हुआ है। एक बैक स्टोरी के बारे में हम बात कर ले तो यहाँ पे एक बंजारा महिला के एक जो है दबंग और यहाँ पे अभिज्ञ सरगना में परिवर्तन के पीछे के कारणों को प्रकट करती है। ये उन परिस्थितियों की ओर भी इशारा करता है जिसमें सावित्री ने उतार चढ़ाव की एक जो है चौथाई सदी की यात्रा में दोस्ती की और दुश्मनों को बनाया।
जब दोस्तों एक पुलिस वाले का फोन आता है तो सावित्री ये कहती है कि बंजारों का घर नहीं होता है, उनका तो सिर्फ रास्ता ही होता है, क्योंकि बंजारा कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी नाच गा और कहीं भी रह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और ये कहती कि यहाँ तो मारो या फिर मरो। महिलाओं को घेरने वाले सभी खतरों के बीच में वह इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि जीवित रहने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। विशेष रूप से दिलचस्प युवा जो शांत का चरित्र बना हुआ है सीरीज में। आगे दोस्तों सीरीज में देखने को मिलता है जो पहिया में एक महत्वपूर्ण दल है, वो उन पंतियों के फीते जो है बांधती है, इन्हें उसकी माँ एक जो है रसायन के साथ उगाती है जो दवा को बहुत मजबूत बनाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंगो कहे जाने वाले रानी के साथ जो है यहाँ पे कोऑपरेट धारा उत्पादित जो है शक्तिशाली यौगिक के देश में भरे और इसकी सीमाओं में किया जाता है ये सब चीजें। दोस्तों आगे शुरुआती एपिसोड में एक नाइट क्लब में ड्रग ओवरडोज के कारण यहाँ पे उप मुख्यमंत्री का बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंगो का एक जो है पैकेट मुंबई और पुलिस धारा जो है जब्त कर लिया जाता है। और एक एंटी के बारे में हम बात कर ले तो नारकोटिक्स एजेंट राणा परदेश के सोत्रा का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पे घातक दवा और पुलिस का मिशन साजिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिंपल कबाड़िया फिल्म में एक प्रभावशाली स्टार टर्न के साथ शो को शक्ति प्रदान तो करती है, लेकिन राधिका मदान ने एक यहाँ पे बता दे सारगर्भित युवा महिला को उकेरा है जो अपने लिए मायने रखने वाली चीजों की खोज में एक इंच भी पीछे नहीं हटती है। ईशा तलवार के बारे में बात कर ले तो अंगिरा धर दोनों बहुओं के रूप में बहुत अच्छे अभिनय किए हैं। कलाकारों में पुरुष कलाकार जिनमें से जो है नसीरुद्दीन शाह और दीपक दुबारियल शामिल है दूसरी भूमिका निभाते हैं फिल्म में। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आशीष वर्मा, वरुण मित्रा और उदित अरोरा के बारे में हम बात कर ले तो तीनों पुरुषों की भूमिका निभा रहे हैं जो रानी को यानी कि ऑपरेटिव पर नियंत्रण पाने की उम्मीद पर है। एक पुलिस वाले के रूप में जिमी त्रिवेदी कोई भी यानी कि धक्का देने वाले नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट उन्हें पर्याप्त स्पेस देती है और वह इसका पूरा फायदा भी उठाते हैं इस सीरीज के अंदर। इसके अलावा दोस्तों बतला दे गैंग्स ऑफ वासेपुर जो भाग वन 2012 के प्रतिष्ठित उद्घाटन शॉट में आया था, क्योंकि यहाँ पे सास भी कभी बहुत ही ये भूमिका निभाने वाली एक टेलीविजन स्क्रीन आने वाली गोल यूज से यहाँ पे चकनाचूर हो जाती है। आगे इस दृश्य में एक मिशन स्टेंटमैन के रूप में कार्य किया, क्योंकि यहाँ पे वासीपुर एक पारिवारिक गथा बनने जा रहा है जैसे कोई और नहीं बन सकता। अब 11 साल बाद सास बहू और फ्लेमिंगो अपने टाइटल के साथ कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है, क्योंकि श्रृंखला होमी अज्ञान या धारा निर्देशित किया गया और डिज्नी प्लस हॉट स्टार पे स्ट्रीमिंग किया गया है। एक अवैध व्यापार में लगे परिवार के बारे में ये कहानी है, जो फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ अनुराग कश्यप के खून से लथपथ जो है कोयला यानी कि तस्करों के महाकाव्य के विपरीत इस शो में नायक महिलाएं हैं। बता दें दोस्तों, सोचिए अगर यहाँ पे नगमा और उनके अलावा मुहसिना और शमा होती तो एक गुप्त ड्रग के साथ जो है कोटेल चलाते हैं, जिसके बारे में यहाँ पे सरदार खान फैजल और यहाँ पे दानिश को कोई जो है जानकारी नहीं मिली थी। दोस्तों इस सीरीज के अंदर सावित्री यानी कि डिंपल कवारिया रानी को ऑपरेटिव चलाते हुए दिखाया गया, जो यहाँ पे हस्तशिल्प और यहाँ पे औषधि जड़ी बूटियों का उत्पादन करती है। वह उत्तर पश्चिम भारत के एक काल्पनिक सीमावर्ती शहर हस्तीपुर की महिलाओं की मात्र सत्ता और धर्म माता है, जहाँ सहकारी हम जल्दी से सीखते हैं कि एक अवारण यानी सावित्री का असली जो है धंधा कुकीन है, क्योंकि उसके यहाँ पे संचालन में उसकी बेटी शांता और राधिका मदान और दो बहू काजल और अंगिरा धर शामिल है। और दोस्तों बिजली के बारे में बात की जाए तो ईशा तलवार धारा मदद की जाती है जब उनके सिग्नेचर और यहाँ पे फ्लेमिंगो उत्पाद के मिलावटी जो है संस्करण ने एक राजनेता के बेटे को कोमा में डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे सावित्री को एहसास हुआ कि इसके लिए नरक की कीमत चुकानी होगी। विभिन्न यानी कि गिद्ध और चक्कर लगाते हुए आते हैं, जिनमें देखने को मिलता है कि डेड पेन एंटी और नारकोटिक जो है ऑफिसर प्रोसून जो है जिमी त्रिवेदी के साथ वहां पे आते हैं। आगे दोस्तों देखने को मिलता है दीपक दुबारियल नाम का एक मृत आंखों वाला प्रतिद्वंदी शामिल है इन सब चीजों में, जो एक अलग कहानी जरूर देखने को इसके अंदर मिलता है हमें। दोस्तों इस सीरीज में शुरुआती घाट जिसे जो है सावित्री और उसके जो है मंडली ने अपनी जो है हवेली में सफलतापूर्वक विफल कर दिया चाकू मारकर, और इसके अलावा
सुल्तान और यहाँ पे बेट तरतीब जो है ट्रेन गेट से जो है उड़ान भरा, क्योंकि संशोधन वादिन के बारे में हम बात कर ले तो उनका रुख का संकेत यह है कि श्रृंखला लेने के लिए तैयार किया गया। फिर भी जो है जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है हमें एहसास होता है कि सास बहू और फ्लेमिंगो डेली सोप ओपेरा में शामिल है, जहाँ आकर्षित ये होता है कि जितना कि ये और उतना कर रहा है। सावित्री को उनके जो है अनुयायी रानी बाकी रूप में संबोधित किया गया है। शो के लिए एक जो है बैकलिप शीर्षक यानी, और इसके अलावा बता दें कि कभी हो सकता था कि जब यानी कि उसके बेटे अमेरिका से बेखबर जो है कॉर्पोरेट आते हैं, तो एक अलग ही कहानी इसमें देखने को मिलता है। आगे दोस्तों होमी और उनके जो है लेखक अपने पन की इस जो है भावना को बड़ी जो है शिद्दत से झाड़ने की कोशिश करते हैं। आगे बिजली और उसका पति आशीष वर्मा एक जो है खुशनुमा माहौल से बाहर आते हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे होते क्योंकि वह मुंबई के एक डीजे के साथ जो है समलैंगिक संबंधों में है। शांता और धीमान उदित अरोड़ा के बारे में हम बात कर ले तो उपरोक्त और यहाँ पे तीसरा बेटा यौन और भावनात्मक रूप से जो जुड़ा हुआ है इसके अंदर। एक संदर्भ ये है कि शायद गेम ऑफ जो है थ्रोन्स है, क्योंकि यहाँ पे कैरिसिस और यहाँ पे जमील के साथ जो है बीच अनाचारपूर्ण संबंध था। हालांकि उन जो है उत्साहित जुड़ाव बच्चों के विपरीत था, क्योंकि यहाँ पे शांता और धीमान रक्त भाई बहन नहीं है, ये भी जानने को आगे मिलता है। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी तो आपको याद होगा, जो सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होगी। तो इस जो है यानी कि दानेदार और सीमावर्ती नाटक में यहाँ पे आपको बता दें परघो गीकी की छांव जो है और इसके अलावा वैश्वीकरण के लिए अधिक जो है आकर्षण है। ये क्लासिक होमी क्षेत्र है जो एक अच्छी तरह से यात्रा करने वाला बॉम्बे लड़का और वजवे शहरी अर्थ पर यहाँ पे शहरी और यहाँ पे महानगरीय भारत के बीच की जहाँ पे दूरियों को मिटाने में सबसे अच्छा है। गैंग्स ऑफ वासेपुर के पेजर्स के बारे में हम बात कर ले तो यहाँ पे अपडेट करते हुए उनके पात्र यानी कि हेडफोन द्वारा ये लिखा गया है कि उनके द्वारा दोस्तों ये लिखा गया है कि यहाँ पे हेडफोन स्मार्ट वॉच और वीआर हेडसेट लेकर जो है घूमते हैं। हम जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर ले तो माध्यम से मनी और यहाँ पे लोन ड्रिंक देखते हैं, जो एक जो है मर्मस स्पत्री और ब्यूरन में आता है, जो सावित्री रात में सितारों का एक महंगे दिखने वाले यहाँ पे टेलीस्कोप से सर्वेक्षण करती है। तो दोस्तों बता दें ये सीरीज आपको अभी यूरोप पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसको डिज्नी प्लस पर रखा गया है। फिल्म में टिम्बल कबाड़िया शो को एक साथ रखती है, वह एक सावित्री को तनय और लेकिन कठोर के रूप में चित्रित करती है और उसकी दृढ़ता और तब से जो है संकेत मिला है कि कैसे वह हाथ से यहाँ पे मोमबत्तियों पर मुहर लगाती है। बिजली के रूप में ईसा तलवार उसकी लिव इन क्रूरता से मेल जरूर खाती है, लेकिन दोस्तों मदन और धर के प्रदर्शन के बारे में हम बात कर ले तो एक अलग ही चीज देखने को मिलता है। श्रृंखला नाजुक पुरुष आ के अपने जो है मैलिको के साथ जो है डटलिंग और मजाकिया तरीके से है। इसके अलावा दोस्तों सावित्री के छोटे बेटे के बारे में हम बात करें तो वरुण मित्रा को पता चलता है कि यहाँ पे करोड़ों का साम्राज्य चलाया जाता है और यहाँ पे हर महीने $500 से भेजा जाता है, जो कि काजल ने उसे जो आश्वस्त करते हुए कहा कि एक माँ की नज़र में ये सब जो है आसान नहीं होता। दोस्तों बता दें सीरीज में आपको एक इमोशनल कहानी भी देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस पर ये सीरीज आपको भी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं सास बहू और फ्लेमिंगो फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा स्ट्रीमिंग टेलीविजन श्रृंखला है, जिसे होमी अदजानिया द्वारा निर्मित किया गया है और निर्देशित किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो मैडॉक फिल्म के तहत इस फिल्म को बनाया गया है, निर्मित किया गया है। या दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में डिम्पल कबाड़िया, राधिका मदान और ईशा तलवार और उनके अलावा अंगिरा धर, दीपक डुबारियल और मोनिका डोगरा और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों की टुकड़ी इस फिल्म में शामिल है। इसके अलावा दोस्तों इस श्रृंखला का प्रीमियर 5 मई 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हुआ है। द हिंदू ने लिखा है कि श्रृंखला नाजुक पुरुष आ के अपने जो है
मोली कोडलिंग और इसके अलावा मजाकिया तरीके से किए गए हैं और ये एक मनोरंजन सीरीज होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग ये सीरीज को देखना चाहते हो तो ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी में देखने को मिल जाता है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस मूवी की रिव्यू रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले Rediff.com की तरफ से सुकन्या वर्मा ने इसके बारे में लिखा है कि ये सीरीज सेक्स, हिंसा और ड्रग्स पर श्रृंखला को ओवरडोज महसूस करवाता है। और अपनी समीक्षा में उन्होंने लिखा इसके टेरे मेरे जो है ब्रह्मांड और इसके जो है छायादार जो है और साथ ही साथ दोस्तों काम काज को जो है फर्जी की तरफ विस्तारित दिया गया है, विस्तार से दर्ज करने का प्रयास किया गया उन्होंने बताया है। लेकिन दोस्तों कोई भी यानी कि साहस नहीं है क्योंकि बंदूक है और यहाँ पे घाघरा एक के लिए बनाते हैं, जहाँ पे आपको बता दें पंच लाइन ठीक है लेकिन यहाँ पे भावनाओं के अभाव में इमेजरी फीकी लगती है देखने में। अब दोस्तों आगे देखने को मिलता है कि इंडिया टुडे के एक लोचक ने श्रृंखला को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा है कि सास बहू और फ्लेमिंगो एक ऐसा सीरीज है जहां महिलाएं सबसे आगे हैं। आपके बता दें आपके चेहरे पर कोई जो है नारीवाद नहीं चल रहा है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ जो है बहुत निष्पक्ष और ताज़ा महसूस करवाता है। अलग के बारे में हम बात करें तो उसी प्रकृति के थेपे गए शो है जो आप जो है देख सकते हैं। यहाँ तक जो है महिलाएं यानी कि अबला नहीं है लेकिन कम से कम जो है तैयार होने पर भी पुरुषों की पीड़ा और भीड़ का जो है सामना जरूर कर सकती है। अब दोस्तों रिव्यू करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा उत्तर पश्चिमी भारत की खुशी और बंजर भूमि में शो की जो है शेटिंग किए गए हैं और ये एकदम सही है और प्रत्येक पात्र की वेशभूषण और श्रृंखला पर प्रभावशाली भी पड़ता है क्योंकि प्राचीन टैटू और जातीय के साथ जो है आभाषणों के साथ पूर्ण देहाती मेकओवर दिया गया है इस फिल्म के अंदर। दोस्तों अगर बात की जाए इस फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है डिंपल कबाड़िया धारा उत्तर भारतीय रेगिस्तानी शहर सासमो और फिलिंगो में ड्रग डीलरों के परिवार की यहाँ दोस्तों श्रृंखला में देखने को मिलता है। डीलरों के परिवार की मातृभूमि के रूप में एक थ्रिलर का नेतृत्व किया गया जो हमें तूतरीपूर्ण शक्त और अप्रिय महिलाओं की दुनिया में पहुँचाता है जो अपनी शर्तों पर पूरी तरह से रानी आकार का जीवन जीती हैं। फिल्म में दोस्तों महिलाएं शक्ति का लाभ उठाती है लेकिन अपने निडर जो है तरीकों के लिए कीमत भी चुकाती है। पुरस्कार के बारे में बात किया जाए तो प्रतिशोध के बीच संघर्ष यहां पे आपरम पारगत जो है पारिवारिक नाटक का मूल है जो एक हद तक जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के आर्य पर एक विचित्र ग्रामीण भिन्नरता का साथ दिया गया है। मजबूत माहौल ये है कि एक ऐसी कहानी है फिल्म में जो भावनाओं और एक्शन से भरी हुई है और कई ठोस प्रदर्शन दिए गए हैं और एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो कि ट्विस्ट और टर्न का एक पूरा तर्क प्रदान करता है जो सास बहू और फ्लेमिंगो को एक जो संतोषजनक जरूरी नहीं की जा सकती है जिसकी वजह से शानदार शो बनने के लिए ये तैयार है। इसके अलावा दोस्तों इसके एपिसोड के बारे में हम बात कर ले तो 8 एपिसोड हॉटस्टार पे रिलीज कर दिया गया है स्पेशल सीरीज जो है। जी हाँ दोस्तों स्पेशल सीरीज विस्फोटक और धीमी जलन तना हुआ और यहाँ पे घुमावदार के बीच बैकलिप तैयार किया गया है। ये एक बेकार परिवार का अनुसरण करता है जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो सतह पर दिखाई देता है। ये शायद ही आश्चर्य की बात है कि यहाँ पे अधिकांश कहानी एक गुप्त बंकर में सामने आती है, वह स्थान जहाँ पर परिवार अपनी यहाँ पे अफीम उगाते हैं चुपके से, एक ऐसी जगह जहाँ जिसका जो है बाकी दुनिया को कोई भी यानी कि आभास ही नहीं है। दोस्तों देखने को मिलता है कि सीरीज में कई जो है भयवा रिश्ते सामने आते हैं जो लिंग अनाचार की सीमा पर बिना जो है पढ़े दिल तोड़ने वाले विशुद्ध रूप से जो है रोमांटिक होते हैं। दोस्तों असहज और यहाँ पे परास्वप्रिक के साथ जो है समीकरण उस नाजुक जो है संतुलन को यहाँ पे बिगाड़ने की धमकी देते हैं सीरीज में जो बच्चे को एक साथ रखता है परिवार के भीतर एक उत्तराधिकार युद्ध जो है छिड़ जाता है देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें व्यवसाय चलाने वाली महिला और औपचारिक रूप से अपने साम्राज्य के कानूनी उत्तराधिकारी का नाम देने के इरादे की घोषणा करती है एक दिन। दोस्तों आगे देखने को मिलता है सास बहू और गतिशील को अपने सिर पर मोड़ने और वसंत आश्चर्य की अपनी जो है सहज क्षमता के लिए खनन करने के अलावा क्राइम ड्रामा एक रोमांचक जो है खतानक प्रदान करता है जिसमें दोस्तों महिलाएं सभी शॉट्स को बुलाती है और यहां तक कि उनके यहां पे आसपास के पुरुष वह सब करते हैं जो वह नहीं कर सकते, उनके लिए आसान है। लेकिन ये शो लैंगिक विभाजन और उसके प्रभाव के बारे में इतना नहीं है क्योंकि ये महत्वाकांक्षा और पारिवारिक बंधनों और इसके नतीजों के बीच संघर्ष के बारे में ये शो बात करता है।
अब दोस्तों ये श्रृंखला समान गति से नहीं है क्योंकि इसके कुछ हिस्से एक स्पर्श सुस्त और घूमने वाले हैं, लेकिन जब भी ये गति पकड़ता है तो अपनी जो है पट्टियों को हिट जरूर करता है। सास बहू और फ्लेमिंगो यहाँ पे होमी अजानिया धारा निर्मित की गई है। जो निर्देशक के बारे में हम बात कर ले तो पूरी तरह से आकर्षक और मनोरंजन तरीके से इसको तैयार किया गया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे नंदिनी गुप्ता और अमन मन्नान की भावपूर्ण स्क्रिप्ट हमें फिल्म में देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बतला दे राणा प्रदेश नामक एक प्रांत में एक काल्पनिक जो है रेगिस्तान में स्थापित की गई श्रृंखला मिट्टी की पृष्ठभूमि का बहुत अच्छा उपयोग करती है, जिसे जो है फोटोग्राफी के निर्देशक और लीनेश देसाई के लेंस के माध्यम से विचार किया गया है, जो कैप्चर किया गया उनके साथ। ये एक ऐसा परिदृश्य है जहाँ सावित्री डिंपल कपाड़िया के लिए हर कोने पर खतरा मंडराता है, जो एक हवेली से है जो कई रहस्य छुपाती है। आगे देखने को मिलता है एक अवैध व्यापार करती है जिसे यहाँ पे व्यंजनात्मक रूप से रानी सहकारी कहा जाता है उन्हें। इसका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ऊपर है, लेकिन कोई भी ये पता नहीं लगा सकता है कि एक समय यानी कि सहायता समूह की तर्ज पर चलने वाला व्यवसाय इतना बड़ा पैसा बनाने वाले कैसे हो सकते हैं। अब दोस्तों वहाँ पे हस्तीपुर में एक पुलिस स्टेशन के बिना एक चौकी सावित्री वास्तव में सभी जो सर्वेक्षणों की रानी है। उसकी विद्रोह बेटी शांता राधिका मदान और दो चंचल बहुए हैं, जहाँ बिजली ईशा तलवार और काजल के साथ जो अंगिरा धरपे है उसके साथ दोस्तों काम करती है, और एक दुर्जय के साथ जो है एक दुर्जय चौकी है जो कि जिसके नीचे होने पर कोई भी यानी कि आपको क्वार्ट देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों बता दें पे बदमाश लड़कियों के लिए अक्सर कठिन ये हो जाता है, लेकिन वह उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी जो है जमीन पर टिकी रहती है, जिनका सामना वह एक दर्शन विचार कोकीन डिलीवर से करती है। दीपक दुबारियल के बारे में हम बात कर ले तो एक नशीले पदार्थों के विरोधी सहायक पुलिस आयुक्त जो है प्रसून जैसे हैं, जहाँ पे जिमीत के साथ बता दे त्रिवेदी से की है, जो एक स्पष्ट संक्षिप्त विवरण के साथ मुंबई से राणा प्रदेश से स्थानांतरित कर देती है फिल्म में। अब दोस्तों आगे देखने को मिलता है सावित्री के दो जो है झगड़ालू बेटे हैं हरीश और आशीष वर्मा, जो कपिल वरुण मित्रा के साथ अपनी मां के व्यवसाय की वास्तविक जो है प्रकृति से अनभिज्ञ है। दो व्यक्ति जो है अमेरिका से लौटते हैं, उनकी पत्नियां कुछ भी नहीं बताती हैं क्योंकि दुनिया के एक कोने में पैर जमाने की कोशिश में ये जोड़ी एक चीज से दूसरी चीज पर जो है लड़खड़ाती है, जो अब उनके लिए अलग हो गया है। सावित्री के दत्तक पुत्र और उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी में से एक धीमान उदित अरोरा के लिए दोनों भाई और बहनों का कोई भी प्यार नहीं मिलता है। तनाव बढ़ते चला जाता है दोनों में, क्योंकि यहाँ पे कोक और सूंघने वाले हरीश और अधिक जो है चौकस पे कपिल धीमा हो जाते हैं। दोस्तों देखने को मिलता है कि उत्तर अधिकार युद्ध में एक प्रमुख जो है प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। इसके अलावा उनकी बहन और धीमान के बीच एक संबंध जो है चिंता के कारण बन जाता है सीरीज के अंदर। लेकिन दोस्तों इधर अधिक सावित्री कितनी भी दृढ़ और एक काकरा क्यों ना कर लो, यहाँ पे उल्टा उसके अस्तित्व का एक हिस्सा बना हुआ है। एक बैक स्टोरी के बारे में हम बात कर ले तो यहाँ पे एक बंजारा महिला के एक जो है दबंग और यहाँ पे अभिज्ञ सरगना में परिवर्तन के पीछे के कारणों को प्रकट करती है। ये उन परिस्थितियों की ओर भी इशारा करता है इसमें सावित्री ने उतार चढ़ाव की एक जो है चौथाई सदी की यात्रा में दोस्ती की और दुश्मनों को बनाया। जब दोस्तों एक पुलिस वाले का फोन आता है तो सावित्री ये कहती है कि बंजारों का घर नहीं होता है, उनका तो सिर्फ रास्ता ही होता है, क्योंकि बंजारा कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी नाच गा और कहीं भी रह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और ये कहती कि यहाँ तो मारो या फिर मरो, महिलाओं को घेरने वाले सभी खतरों के बीच में वह इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि जीवित रहने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। विशेष रूप से दिलचस्प युवा जो शान का चरित्र बना हुआ है सीरीज में। आगे दोस्तों सीरीज में देखने को मिलता है जो पहिया में एक महत्वपूर्ण दल है, वो उन पंतियों के फीते जो है बांधती है इन्हें उसकी माँ एक रसायन के साथ उगाती है जो दवा को बहुत मजबूत बनाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंगो कहे जाने वाले रानी के साथ जो है यहाँ पे को आप प्रेरित धारा उत्पादित जो है शक्तिशाली यौगिक के देश में भरे और इसकी सीमाओं में किया जाता है ये सब चीजें।
दोस्तों आगे शुरुआती एपिसोड में एक नाइट क्लब में ड्रग ओवरडोज के कारण यहाँ पे उप मुख्यमंत्री का बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंगो का एक जो है पैकेट मुंबई और पुलिस धारा जो है जब्त कर लिया जाता है। और एक एंटी के बारे में हम बात कर ले तो नारकोटिक्स एजेंट राणा प्रदेश के सोत्रा का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पे घातक दवा और पुलिस का मिशन साजिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिंपल कबाड़िया फिल्म में एक प्रभावशाली स्टार टर्न के साथ शो को शक्ति प्रदान तो करती है, लेकिन राधिका मदान ने एक यहाँ पे बता दे सारगर्भित युवा महिला को उकेरा है जो अपने लिए मायने रखने वाली चीजों की खोज में एक इंच भी पीछे नहीं हटती है। ईशा तलवार के बारे में बात कर ले तो अंगिरा धर दोनों बहुओं के रूप में बहुत अच्छे अभिनय किए हैं। कलाकारों में पुरुष कलाकार जिनमें से जो है नसीरुद्दीन शाह और दीपक दुबारियल शामिल है दूसरी भूमिका निभाते हैं फिल्म में। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आशीष वर्मा, वरुण मित्रा और उदित अरोड़ा के बारे में हम बात कर ले तो तीनों पुरुषों की भूमिका निभा रहे हैं जो रानी को यानी कि ऑपरेटिव पर नियंत्रण पाने की उम्मीद पर है। एक पुलिस वाले के रूप में जिमी त्रिवेदी कोई भी यानी कि धक्का देने वाले नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट उन्हें पर्याप्त स्पेस देती है और वह इसका पूरा फायदा भी उठाते हैं इस सीरीज के अंदर। इसके अलावा दोस्तों बतला दे गैंग्स ऑफ वासेपुर जो भाग वन 2012 के प्रतिष्ठित उद्घाटन शॉट में आया था, क्योंकि यहाँ पे सास भी कभी बहुत ही ये भूमिका निभाने वाली एक टेलीविजन स्क्रीन आने वाली गोलियों से यहाँ पे चकनाचूर हो जाती है। आगे इस दृश्य में एक मिशन स्टेंटमैन के रूप में कार्य किया, क्योंकि यहाँ पे वासीपुर एक पारिवारिक गथा बनने जा रहा है जैसे कोई और नहीं बन सकता। अब 11 साल बाद सास बहू और फ्लेमिंगो अपने टाइटल के साथ कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है, क्योंकि श्रृंखला होमी अज्ञान या धारा निर्देशित किया गया और डिज्नी प्लस हॉट स्टार पे स्ट्रीमिंग किया गया है। एक अवैध व्यापार में लगे परिवार के बारे में ये कहानी है, जो फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ अनुराग कश्यप के खून से लथपथ जो है कोयला यानी कि तस्करों के महाकाव्य के विपरीत इस शो में नायक महिलाएं हैं। बता दें दोस्तों, सोचिए अगर यहाँ पे नगमा और उनके अलावा मोहसिना और शमा होती तो एक गुप्त ड्रग के साथ जो है कोटेल चलाते हैं, जिसके बारे में यहाँ पे सरदार खान फैजल और यहाँ पे दानिश को कोई जो है जानकारी नहीं मिली थी। दोस्तों इस सीरीज के अंदर सावित्री यानी कि डिंपल कवारिया रानी को ऑपरेटिव चलाते हुए दिखाया गया, जो यहाँ पे हस्तशिल्प और यहाँ पे औषधि जड़ी बूटियों का उत्पादन करती है। वह उत्तर पश्चिम भारत के एक काल्पनिक सीमावर्ती शहर हस्तीपुर की महिलाओं की मातृसत्ता और धर्म माता है, जहाँ सहकारी हम जल्दी से सीखते हैं कि एक अवारण यान सवात्री का असली जो है धंधा कुकीन है, क्योंकि उसके यहाँ पे संचालन में उसकी बेटी शांता और राधिका मदान और दो बहू काजल और अंगिराधर शामिल है। और दोस्तों बिजली के बारे में बात की जाए तो ईशा तलवार धारा मदद की जाती है जब उनके सिग्नेचर और यहाँ पे फ्लेमिंगो उत्पाद के मिलावटी जो संस्करण ने एक राजनेता के बेटे को कोमा में डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे सावित्री को एहसास हुआ कि इसके लिए नरक की कीमत चुकानी होगी। विभिन्न यानी कि गिद्ध और चक्कर लगाते हुए आते हैं, जिनमें देखने को मिलता है कि डेड पेन एंटी और नारकोटिक जो है ऑफिसर प्रोसून जो है जिमी त्रिवेदी के साथ वहाँ पे आते हैं। आगे दोस्तों देखने को मिलता है दीपक दुबारियल नाम का एक मृत आंखों वाला प्रतिद्वंदी शामिल है इन सब चीजों में, जो एक अलग कहानी जरूर देखने को इसके अंदर मिलता है हमें। दोस्तों इस सीरीज में शुरुआती घाट जिसे जो है सावित्री और उसके जो है मंडली ने अपनी जो है हवेली में सफलतापूर्वक विफल कर दिया चाकू मारकर, और इसके अलावा फुलदान और यहाँ पे बेड तरतीब जो है ट्रिंग केट से जो है उड़ान भरा, क्योंकि संशोधन वादिन के बारे में हम बात कर ले तो उनका रूप का संकेत यह है कि श्रृंखला लेने के लिए तैयार किया गया, फिर भी जो है जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है हमें एहसास होता है कि सास बहू और फ्लेमिंगो डेली सोप ओपेरा में शामिल है, जहां आकर्षित ये होता है कि जितना कि ये आलोचना कर रहा है सावित्री को उनके जो है अनुयायी रानी बाकी रूप में संबोधित किया गया है। शो के लिए एक जो है बैकलिप शीर्षक यानी, और इसके अलावा बता दें कि कभी हो सकता था कि जब यानी कि उसके बेटे अमेरिका से बेखबर जो है कॉर्पोरेट आते हैं, तो एक अलग ही कहानी इसमें देखने को मिलता है। आगे दोस्तों होमी और उनके जो है लेखक अपने पन की इस जो है भावना को बड़ी जो है शिद्दत से झाड़ने की कोशिश करते हैं। आगे बिजली और उसका
पति आशीष वर्मा एक जो है खुशनुमा माहौल से बाहर आते हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे होते क्योंकि वह मुंबई के एक डीजे के साथ जो है समलैंगिक संबंधों में है। शांता और धीमान उदित अरोड़ा के बारे में हम बात कर ले तो उपरोक्त और यहाँ पे तीसरा बेटा यौन और भावनात्मक रूप से भी जुड़ा हुआ है इसके अंदर। एक संदर्भ ये है कि शायद गेम ऑफ जो है थ्रोन्स है क्योंकि यहाँ पे कैरिसिस और यहाँ पे जमील के साथ जो है बीच अनाचारपूर्ण संबंध था। हालांकि उन जो है उत्साहित जुड़ाव बच्चों के विपरीत था क्योंकि यहाँ पे शांता और धीमान रक्त भाई बहन नहीं है, ये भी जानने को आगे मिलता है। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी तो आपको याद होगा जो सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होगी। तो इस जो है यानी कि दानेदार और सीमावर्ती नाटक में यहाँ पे आपको बता दें परघो गिकी के साथ जो है और इसके अलावा वैश्वीकरण के लिए अधिक जो है आकर्षण है। ये क्लासिक होमी क्षेत्र है जो एक अच्छी तरह से यात्रा करने वाला बॉम्बे लड़का और वजवे शहरी अर्थ पर यहाँ पे शहरी और यहाँ पे महानगरीय भारत के बीच की जहाँ पे दूरियों को मिटाने में सबसे अच्छा है। गैंग्स ऑफ वासेपुर के पेजर्स के हम बारे में हम बात कर ले तो यहाँ पे अपडेट करते हुए उनके पात्र यानी कि हेडफोन द्वारा ये लिखा गया है कि उनके द्वारा दोस्तों ये लिखा गया है कि यहाँ पे हेडफोन स्मार्ट वॉच और वीआर हेडसेट लेकर जो है घूमते हैं। हम जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर ले तो माध्यम से मनी और यहाँ पे लोन ड्रिंक देखते हैं जो एक जो है मर्मस स्पत्री और ब्यूरन में आता है जो सावित्री रात में सितारों का एक महंगे दिखने वाले यहाँ पे टेलीस्कोप से सर्वेक्षण करती है। तो दोस्तों बता दें ये सीरीज आपको अभी यूरोप पर देखने को नहीं मिलता क्योंकि इसको डिज्नी प्लस पर रखा गया है। फिल्म में टिम्बल कबाड़िया शो को एक साथ रखती है, वह एक सावित्री को तनय और लेकिन कठोर के रूप में चित्रित करती है और उसकी दृढ़ता और तप से जो है संकेत मिला है कि कैसे वह हाथ से यहाँ पे मोमबत्तियों पर मुहर लगाती है। बिजली के रूप में ईसा तलवार उसकी लिव इन क्रूरता से मेल जरूर खाती है लेकिन दोस्तों मदन और धर के प्रदर्शन के बारे में हम बात कर ले तो एक अलग ही चीज देखने को मिलता है। श्रृंखला नाजुक पुरुष आह के अपने जो है मैलिको के साथ जो है डटलिंग और मजाकिया तरीके से है। इसके अलावा दोस्तों सावित्री के छोटे बेटे के बारे में हम बात करें तो वरुण मित्रा को पता चलता है कि यहाँ पे करोड़ों का साम्राज्य चलाया जाता है और यहाँ पे हर महीने $500 से भेजा जाता है जो कि काजल ने उसे जो आश्वस्त करते हुए कहा कि एक माँ की नज़र में ये सब जो है आसान नहीं होता। दोस्तों बता दें सीरीज में आपको एक इमोशनल कहानी भी देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस पर ये सीरीज आपको भी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं सास बहू और फ्लेमिंगो फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा स्ट्रीमिंग टेलीविजन श्रृंखला है जिसे होमी अधजानिया द्वारा निर्मित किया गया है और निर्देशित किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो मैडॉक फिल्म के तहत इस फिल्म को बनाया गया है निर्मित किया गया है। तो दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में डिम्पल कबाड़िया राधिका मदान और ईशा तलवार और उनके अलावा अंगिरा धर दीपक डुबारियल और मोनिका डोगरा और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों की टुकड़ी इस फिल्म में शामिल है। इसके अलावा दोस्तों इस श्रृंखला का प्रीमियर 5 मई 2023 को डिज्नी प्लस और स्टार पे हुआ है। द हिंदू ने लिखा है कि श्रृंखला नाजुक पुरुष आह के अपने जो है मौलिक कोडलिंग और इसके अलावा मजाकिया तरीके से किए गए हैं और ये एक मनोरंजन सीरीज होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस सीरीज को देखना चाहते हो तो ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस और स्टार पे हिंदी में देखने को मिल जाता है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस मूवी के रिव्यू रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले Rediff.com की तरफ से सुकन्या वर्मा ने इसके बारे में लिखा है कि ये सीरीज सेक्स हिंसा और ड्रग्स पर श्रृंखला को ओवरडोज महसूस करवाता है और अपनी समीक्षा में उन्होंने लिखा इसके टेरे मेरे जो है ब्रह्मांड और इसके जो है छायादार जो है और साथ ही साथ दोस्तों काम काज को जो है फर्जी की तरफ विस्तारित दिया गया है, विस्तार से दर्ज करने का प्रयास किया गया उन्होंने बताया है लेकिन दोस्तों कोई भी यानी कि साहस नहीं है क्योंकि बंदूक है और यहाँ पे घाघरा एक के लिए बनाते हैं जहाँ पे आपको बता दें पंच लाइन ठीक है लेकिन यहाँ पे भावनाओं के अभाव में इमेजरी फीकी लगती है देखने में।
अब दोस्तों आगे देखने को मिलता है कि इंडिया टुडे के एक लोचक ने श्रृंखला को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा है कि सास बहू और फ्लेमिंगो एक ऐसा सीरीज है जहां महिलाएं सबसे आगे हैं। आपके बता दे आपके चेहरे पर कोई जो है नारीवाद नहीं चल रहा है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ जो है बहुत निष्पक्ष और ताज़ा महसूस करवाता है। अलग के बारे में हम बात करें तो उसी प्रकृति के थेपे गए शो है जो आप जो है देख सकते हैं। यहाँ तक जो है महिलाएं यानी कि अबला नहीं है, लेकिन कम से कम जो है तैयार होने पर भी पुरुषों की पीड़ा और भीड़ का जो है सामना जरूर कर सकती है। अब दोस्तों रिव्यू करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, उत्तर पश्चिमी भारत की खुशी और बंजर भूमि में शो की जो है शेटिंग किए गए हैं और ये एकदम सही है और प्रत्येक पात्र की वेशभूषण और श्रृंखला पर प्रभावशाली भी पड़ता है, क्योंकि प्राचीन टैटू और जातीय के साथ जो है आभाषणों के साथ पूर्ण देहाती मेकओवर दिया गया है इस फिल्म के अंदर। दोस्तों अगर बात की जाए इस फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है डिम्पल कबाड़िया धारा उत्तर भारतीय रेगिस्तानी शहर सासमो और फिलिंगो में ड्रग डीलरों के परिवार की यहाँ दोस्तों श्रृंखला में देखने को मिलता है। डीलरों के परिवार की मातृभूमि के रूप में एक थ्रिलर का नेतृत्व किया गया जो हमें तूतरीपूर्ण सख्त और अप्रिय महिलाओं की दुनिया में पहुंचाता है जो अपनी शर्त पर पूरी तरह से रानी आकार का जीवन जीती हैं। फिल्म में दोस्तों महिलाएं शक्ति का लाभ उठाती है लेकिन अपने निडर जो है तरीकों के लिए कीमत भी चुकाती है। पुरस्कार के बारे में बात किया जाए तो प्रतिशोध के बीच संघर्ष यहाँ पे आपरम पारगत जो है पारिवारिक नाटक का मूल है जो एक हद तक जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के आर्य पर एक विचित्र ग्रामीण भिन्नरता का साथ दिया गया है। मजबूत माहौल ये है कि एक ऐसी कहानी है फिल्म में जो भावनाओं और एक्शन से भरी हुई है और कई ठोस प्रदर्शन दिए गए हैं और एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो कि ट्विस्ट और टर्न का एक पूरा तर्क प्रदान करता है जो सास बहू और फ्लेमिंगो को एक जो संतोषजनक जरूरी नहीं की जा सकती है, जिसकी वजह से शानदार शो बनने के लिए ये तैयार है। इसके अलावा दोस्तों इसके एपिसोड के बारे में हम बात कर ले तो 8 एपिसोड हॉटस्टार पे रिलीज कर दिया गया है स्पेशल सीरीज जो है। जी हाँ दोस्तों स्पेशल सीरीज विस्फोटक और धीमी जलन तना हुआ और यहाँ पे घुमावदार के बीच बैकलिप तैयार किया गया है। ये एक बेकार परिवार का अनुसरण करता है जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो सतह पर दिखाई देता है। ये शायद ही आश्चर्य की बात है कि यहाँ पे अधिकांश कहानी एक गुप्त बंकर में सामने आती है, वह स्थान जहां पर परिवार अपनी यहां पे अफीम उगाते हैं चुपके से, एक ऐसी जगह जहां जिसका जो है बाकी दुनिया को कोई भी यानी कि आभास ही नहीं है। दोस्तों देखने को मिलता है कि सीरीज में कई जो है भयवा रिश्ते सामने आते हैं जो लिंग अनाचार की सीमा पर बिना जो है पढ़े दिल तोड़ने वाले विशुद्ध रूप से जो है रोमांटिक होते हैं। दोस्तों असहज और यहाँ पे परास्वप्रिक के साथ जो है समीकरण उस नाजुक जो है संतुलन को यहाँ पे बिगाड़ने की धमकी देते हैं। सीरीज में जो बच्चे को एक साथ रखता है परिवार के भीतर एक उत्तराधिकार युद्ध जो है छिड़ जाता है देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आपको बतला दें व्यवसाय चलाने वाली महिला और औपचारिक रूप से अपने साम्राज्य के कानूनी उत्तराधिकारी का नाम देने के इरादे की घोषणा करती है एक दिन। दोस्तों आगे देखने को मिलता है सास बहू और गतिशील को अपने सिर पर मोड़ने और वसंत आश्चर्य की अपनी जो है सहज क्षमता के लिए खनन करने के अलावा क्राइम ड्रामा एक रोमांचक जो है खतानक प्रदान करता है जिसमें दोस्तों महिलाएं सभी शॉट्स को बुलाती है और यहां तक कि उनके यहां पे आसपास के पुरुष वह सब करते हैं जो वह नहीं कर सकते, उनके लिए आसान है। लेकिन ये शो लैंगिक विभाजन और उसके प्रभाव के बारे में इतना नहीं है क्योंकि ये महत्वाकांक्षा और पारिवारिक बंधनों और इसके नतीजों के बीच संघर्ष के बारे में ये शो बात करता है। अब दोस्तों ये श्रृंखला समान गति से नहीं है क्योंकि इसके कुछ हिस्से एक स्पर्श सुस्त और घूमने वाले हैं, लेकिन जब भी ये गति पकड़ता है तो अपनी जो है पटियों को हिट जरूर करता है। सास बहू और फ्लेमिंगो यहाँ पे होमी अजानिया धारा निर्मित की गई है जो निर्देशक के बारे में हम बात कर ले तो पूरी तरह से आकर्षक और मनोरंजन तरीके से इसको तैयार किया गया है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे नंदिनी गुप्ता और अमन मंदान की भावपूर्ण स्क्रिप्ट हमें फिल्म में देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बतला दे राणा प्रदेश नामक एक प्रांत में एक काल्पनिक जो है रेगिस्तान में स्थापित की गई श्रृंखला मिट्टी की पृष्ठभूमि का बहुत अच्छा उपयोग करती है जिसे जो है फोटोग्राफी के निर्देशक और लीनेस के साथ लीनेस देसाई के लेंस के माध्यम से विचार किया गया है।
जो कैप्चर किया गया उनके साथ। ये एक ऐसा परिदृश्य है जहां सावित्री डिंपल कपाड़िया के लिए हर कोने पर खतरा मंडराता है, जो एक हवेली से है जो कई रहस्य छुपाती है। आगे देखने को मिलता है एक अवैध व्यापार करती है जिसे यहाँ पे व्यंजनात्मक रूप से रानी सहकारी कहा जाता है उन्हें। इसका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ऊपर है, लेकिन कोई भी ये पता नहीं लगा सकता है कि एक समय यानी कि सहायता समूह की तर्ज पर चलने वाला व्यवसाय इतना बड़ा पैसा बनाने वाले कैसे हो सकते हैं। अब दोस्तों वहाँ पे हस्तीपुर में एक पुलिस स्टेशन के बिना एक चौकी सावित्री वास्तव में सभी जो सर्वेक्षणों की रानी है। उसकी विद्रोह बेटी शांता राधिका मदान और दो चंचल बहुए हैं, जहां बिजली ईशा तलवार और काजल के साथ जो अंगिरा धरपे है उसके साथ दोस्तों काम कर दिया। और एक दुर्जय के साथ जो है एक दुर्जय चौकी है जो कि जिसके नीचे होने पर कोई भी यानी कि आपको क्वार्ट देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों बता दें पे बदमाश लड़कियों के लिए अक्सर कठिन ये हो जाता है, लेकिन वह उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी जो है जमीन पर टिकी रहती है, जिनका सामना वह एक दर्शन विचार कोकीन डिलीवर से करती है। दीपक दुबारियाल के बारे में हम बात कर ले तो एक नशीले पदार्थों के विरोधी सहायक पुलिस आयुक्त जो है प्रसून जैसे हैं, जहाँ पे जिमीत के साथ बता दे त्रिवेदी से की है, जो कि स्पष्ट संक्षिप्त विवरण के साथ मुंबई से राना पर्दे से स्थानांतरित कर देती है फिल्म में। अब दोस्तों आगे देखने को मिलता है सावित्री के दो जो है झगड़ालू बेटे हैं हरीश और आशीष वर्मा, जो कपिल वरुण मित्रा के साथ अपनी मां के व्यवसाय की वास्तविक जो है प्रकृति से अनभिज्ञ है। दो व्यक्ति जो है अमेरिका से लौटते हैं, उनकी पत्नियां कुछ भी नहीं बताती हैं क्योंकि दुनिया के एक कोने में पैर जमाने की कोशिश में ये जोड़ी एक चीज से दूसरी चीज पर जो है लड़खड़ाती है, जो अब उनके लिए अलग हो गया है। सावित्री के दत्तक पुत्र और उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी में से एक धीमान उदित अरोरा के लिए दोनों भाई और बहनों का कोई भी प्यार नहीं मिलता है। तनाव बढ़ते चला जाता है दोनों में, क्योंकि यहाँ पे कोक और सूंघने वाले हरीश और अधिक जो है चौकस पे कपिल धीमा हो जाते हैं। दोस्तों देखने को मिलता है कि उत्तर अधिकार युद्ध में एक प्रमुख जो है प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। इसके अलावा उनकी बहन और धीमान के बीच एक संबंध जो है चिंता के कारण बन जाता है सीरीज के अंदर। लेकिन दोस्तों इधर अधिक सावित्री कितनी भी दृढ़ और एक काकरा क्यों ना कर लो, यहाँ पे उल्टा उसके अस्तित्व का एक हिस्सा बना हुआ है। एक बैक के स्टोरी के बारे में हम बात कर ले तो यहाँ पे एक बंजारा महिला के एक जो है दबंग और यहाँ पे अभिज्ञ सरगना में परिवर्तन के पीछे के कारणों को प्रकट करती है। ये उन परिस्थितियों की ओर भी इशारा करता है जिसमें सावित्री ने उतार चढ़ाव की एक जो है चौथाई सदी की यात्रा में दोस्ती की और दुश्मनों को बनाया। जब दोस्तों एक पुलिस वाले का फोन आता है तो सावित्री ये कहती है कि बंजारों का घर नहीं होता है, उनका तो सिर्फ रास्ता ही होता है, क्योंकि बंजारा कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी नाच गा और कहीं भी रह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और ये कहती कि यहाँ तो मारो या फिर मरो, महिलाओं को घेरने वाले सभी खतरों के बीच में वह इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि जीवित रहने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। विशेष रूप से दिलचस्प युवा जो शांत का चरित्र बना हुआ है सीरीज में। आगे दोस्तों सीरीज में देखने को मिलता है जो पहिया में एक महत्वपूर्ण दल है, वो उन पंतियों के फीते जो है बांधती है जिन्हें उसकी माँ एक रसायन के साथ उगाती है जो दवा को बहुत मजबूत बनाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंगो कहे जाने वाले रानी के साथ जो है यहाँ पे कोऑपरेट धारा उत्पादित जो है शक्तिशाली यौगिक के देश में भरे और इसकी सीमाओं में किया जाता है ये सब चीजें। दोस्तों आगे शुरुआती एपिसोड में एक नाइट क्लब में ड्रग ओवरडोज के कारण यहाँ पे उप मुख्यमंत्री का बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंगो का एक जो है पैकेट मुंबई और पुलिस धारा जो है जब्त कर लिया जाता है। और एक एंटी के बारे में हम बात कर ले तो नारकोटिक्स एजेंट राणा परदेश के सूत्र का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पे घातक दवा और पुलिस का मिशन साजिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिंपल कपाड़िया फिल्म में एक प्रभावशाली स्टार टर्न के साथ शो को शक्ति प्रदान तो करती है, लेकिन राधिका मदान ने एक यहाँ पे बता दे सारगर्भित युवा महिला को उकेरा है जो अपने लिए मायने रखने वाली चीजों की खोज में एक इंच भी पीछे नहीं हटती है। ईशा तलवार के बारे में बात कर ले तो अंगिरा धर दोनों बहुओं के रूप में बहुत अच्छे अभिनय किए हैं।
कलाकारों में पुरुष कलाकार जिनमें से जो है नसीरुद्दीन शाह और दीपक दुबारियल शामिल है दूसरी भूमिका निभाते हैं फिल्म में। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आशीष वर्मा, वरुण मित्रा और उदित अरोड़ा के बारे में हम बात कर ले तो तीनों पुरुषों की भूमिका निभा रहे हैं जो रानी को यानी कि ऑपरेटिव पर नियंत्रण पाने की उम्मीद पर है। एक पुलिस वाले के रूप में जिमी त्रिवेदी कोई भी यानी कि धक्का देने वाले नहीं है क्योंकि स्क्रिप्ट उन्हें पर्याप्त स्पेस देती है और वह इसका पूरा फायदा भी उठाते हैं इस सीरीज के अंदर। इसके अलावा दोस्तों बतला दें गैंग्स ऑफ वासेपुर जो भाग वन 2012 के प्रतिष्ठित उद्घाटन शॉट में आया था क्योंकि यहाँ पे सास भी कभी बहुत ही ये भूमिका निभाने वाली एक टेलीविजन स्क्रीन आने वाली गोलियों से यहाँ पे चकनाचूर हो जाती है। आगे इस दृश्य में एक मिशन स्टेंटमैन के रूप में कार्य किया क्योंकि यहाँ पे वासीपुर एक पारिवारिक गथा बनने जा रहा है जैसे कोई और नहीं बन सकता। अब 11 साल बाद सास बहू और फ्लेमिंगो अपने टाइटल के साथ कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है क्योंकि श्रृंखला होमी अज्ञान या धारा निर्देशित किया गया और डिज्नी प्लस हॉट स्टार पे स्ट्रीमिंग किया गया है। एक अवैध व्यापार में लगे परिवार के बारे में ये कहानी है जो फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ अनुराग कश्यप के खून से लथपथ जो है कोयला यानी कि तस्करों के महाकाव्य के विपरीत इस शो में नायक महिलाएं हैं। बता दें दोस्तों सोचिए अगर यहाँ पे नगमा और उनके अलावा मोहसिना और शमा होती तो एक गुप्त ड्रग के साथ जो है होटल चलाते हैं जिसके बारे में यहाँ पे सरदार खान फैजल और यहाँ पे दानिश को कोई जो है जानकारी नहीं मिली थी। दोस्तों इस सीरीज के अंदर सावित्री यानी कि डिंपल कवारिया रानी को ऑपरेटिव चलाते हुए दिखाया गया जो यहाँ पे हस्तशिल्प और यहाँ पे औषधि जड़ी बूटियों का उत्पादन करती है। वह उत्तर पश्चिम भारत के एक काल्पनिक सीमावर्ती शहर हस्तीपुर की महिलाओं की मात्र सत्ता और धर्म माता है जहाँ सहकारी हम जल्दी से सीखते हैं कि एक अवारण यान सवात्री का असली जो है धंधा कुकीन है क्योंकि उसके यहाँ पे संचालन में उसकी बेटी शांता और राधिका मदान और दो बहुओं काजल और अंगिराधर शामिल है। और दोस्तों बिजली के बारे में बात की जाए तो ईशा तलवार धारा मदद की जाती है जब उनके सिग्नेचर और यहाँ पे फ्लेमिंगो उत्पाद के मिलावटी जो है संस्करण ने एक राजनेता के बेटे को कोमा में डाल दिया क्योंकि यहाँ पे सावित्री को एहसास हुआ कि इसके लिए नरक की कीमत चुकानी होगी। विभिन्न यानी कि गिद्ध और चक्कर लगाते हुए आते हैं जिनमें देखने को मिलता है कि डेड पेन एंटी और नार्कोटिक जो है ऑफिसर प्रोसून जो है जिमी त्रिवेदी के साथ वहाँ पे आते हैं। आगे दोस्तों देखने को मिलता है दीपक दुबारियल नाम का एक मृत आंखों वाला प्रतिद्वंदी शामिल है इन सब चीजों में जो एक अलग कहानी जरूर देखने को इसके अंदर मिलता है हमें। दोस्तों इस सीरीज में शुरुआती घाट जिसे जो है सावित्री और उसके जो है मंडली ने अपनी जो है हवेली में सफलतापूर्वक विफल कर दिया चाकू मारकर और उसके अलावा फुलदान और यहाँ पे बेड तरतीब जो है ट्रिंक केट से जो है उड़ान भरा क्योंकि संशोधन वादिन के बारे में हम बात कर ले तो उनका रुख का संकेत यह है कि श्रृंखला लेने के लिए तैयार किया गया फिर भी जो है जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है हमें एहसास होता है कि सास बहू और फ्लेमिंगो डेली सोप ओपेरा में शामिल है जहां आकर्षित ये होता है कि जितना कि ये आलोचना कर रहा है सावित्री को उनके जो है अनुयायी रानी बाकी रूप में संबोधित किया गया है। शो के लिए एक जो है बैकलिप शीर्षक यानी और इसके अलावा बता दें कि कभी हो सकता था कि जब यानी कि उसके बेटे अमेरिका से बेखबर जो है कॉर्पोरेट आते हैं तो एक अलग ही कहानी इसमें देखने को मिलता है। आगे दोस्तों होमी और उनके जो है लेखक अपने पन की इस जो है भावना को बड़ी जो है शिद्दत से झाड़ने की कोशिश करते हैं। आगे बिजली और उसका पति आशीष वर्मा एक जो है खुशनुमा माहौल से बाहर आते हैं एक दूसरे को धोखा दे रहे होते क्योंकि वह मुंबई के एक डीजे के साथ जो है समलैंगिक संबंधों में है। शांता और धीमान उदित अरोड़ा के बारे में हम बात कर ले तो उपरोक्त और यहाँ पे तीसरा बेटा यौन और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है इसके अंदर। एक संदर्भ ये है कि शायद गेम ऑफ जो है थ्रोन्स है क्योंकि यहाँ पे कैरिसिस और यहाँ पे जमील के साथ जो है बीच अनाचारपूर्ण संबंध था हालांकि उन उत्साहित जुड़ाव बच्चों के विपरीत था क्योंकि यहाँ पे शांता और धीमान रक्त भाई बहन नहीं है ये भी जानने को आगे मिलता है।
दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी तो आपको याद होगा जो सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होगी। तो इस जो है यानी कि दानेदार और सीमावर्ती नाटक में यहाँ पे आपको बता दें परघो गिकी की छांव जो है और इसके अलावा वैश्वीकरण के लिए अधिक जो है आकर्षण है। ये क्लासिक होमी क्षेत्र है जो एक अच्छी तरह से यात्रा करने वाला बॉम्बे लड़का और वजवे शहरी अर्थ पर यहाँ पे शहरी और यहाँ पे महानगरीय भारत के बीच की जहाँ पे दूरियों को मिटाने में सबसे अच्छा है। गैंग्स ऑफ वासेपुर के पेजर्स के हम बारे में हम बात कर ले तो यहाँ पे अपडेट करते हुए उनके पात्र यानी कि हेडफोन द्वारा ये लिखा गया है कि उनके द्वारा दोस्तों ये लिखा गया है कि यहाँ पे हेडफोन स्मार्ट वॉच और वीआर हेडसेट लेकर जो है घूमते हैं। हम जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर ले तो माध्यम से मनी और यहाँ पे लोन ड्रिंक देखते हैं जो एक जो है मर्मस इस पत्र और विवरण में आता है जो सावित्री रात में सितारों का एक महंगे दिखने वाले यहाँ पे टेलीस्कोप से सर्वेक्षण करती है। तो दोस्तों बता दें ये सीरीज आपको अभी यूरोप पर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इसको डिज्नी प्लस पर रखा गया है। फिल्म में टिम्पल कबाड़िया शो को एक साथ रखती है। वह एक सावित्री को तनय और लेकिन कठोर के रूप में चित्रित करती है और उसकी दृढ़ता और तब से जो है संकेत मिला है कि कैसे वह हाथ से यहाँ पे मोमबत्तियों पर मुहर लगाती है। बिजली के रूप में ईसा तलवार उसकी लिव इन क्रूरता से मेल जरूर खाती है लेकिन दोस्तों मदन और धर के प्रदर्शन के बारे में हम बात कर ले तो एक अलग ही चीज देखने को मिलता है। श्रृंखला नाजुक पुरुष आ के अपने जो है मैलिको के साथ जो है डटलिंग और मजाकिया तरीके से है। इसके अलावा दोस्तों सावित्री के छोटे बेटे के बारे में हम बात करें तो वरुण मित्रा को पता चलता है कि यहाँ पे करोड़ों का साम्राज्य चलाया जाता है और यहाँ पे हर महीने $500 से भेजा जाता है जो कि काजल ने उसे जो आश्वस्त करते हुए कहा कि एक माँ की नज़र में ये सब जो है आसान नहीं होता। दोस्तों बता दें सीरीज में आपको एक इमोशनल कहानी भी देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस पे ये सीरीज आपको अभी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं सास बहू और फ्लेमिंगो फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा स्ट्रीमिंग टेलीविजन श्रृंखला है जिसे होमी अदजानिया द्वारा निर्मित किया गया है और निर्देशित किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो मैडॉक फिल्म के तहत इस फिल्म को बनाया गया है निर्मित किया गया है। दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में डिम्पल कबाड़िया राधिका मदान और ईशा तलवार और उनके अलावा अंगिरा धर दीपक डुबारियल और मोनिका डोगरा और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों की टुकड़ी इस फिल्म में शामिल है। इसके अलावा दोस्तों इस श्रृंखला का प्रीमियर 5 मई 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हुआ है। द हिंदू ने लिखा है कि श्रृंखला नाजुक पुरुष आ के अपने जो है मोली कोडलिंग और इसके अलावा मजाकिया तरीके से किए गए हैं और ये एक मनोरंजन सीरीज होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस सीरीज को देखना चाहते हो तो ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी में देखने को मिल जाता है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस मूवी के रिव्यू रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले Rediff.com की तरफ से सुकन्या वर्मा ने इसके बारे में लिखा है कि ये सीरीज सेक्स हिंसा और ड्रग्स पर श्रृंखला को ओवरडोज महसूस करवाता है और अपनी समीक्षा में उन्होंने लिखा इसके टेरे मेरे जो है ब्रह्मांड और इसके जो है छायादार जो है और साथ ही साथ दोस्तों काम काज को जो है फर्जी की तरफ विस्तारित दिया गया है विस्तार से दर्ज करने का प्रयास किया गया उन्होंने बताया है लेकिन दोस्तों कोई भी यानी कि साहस नहीं है क्योंकि बंदूकें और यहाँ पे घाघरा एक के लिए बनाते हैं जहाँ पे आपको बता दें पंच लाइन ठीक है लेकिन यहाँ पे भावनाओं के अभाव में इमेजरी फीकी लगती है देखने में। अब दोस्तों आगे देखने को मिलता है कि इंडिया टुडे के एक लोचक ने श्रृंखला को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा है कि सास बहू और फ्लेमिंगो एक ऐसा सीरीज है जहां महिलाएं सबसे आगे हैं। आपके बता दें आपके चेहरे पर कोई जो है नारीवाद नहीं चल रहा है लेकिन दोस्तों ये सिर्फ जो है बहुत निष्पक्ष और ताज़ा महसूस करवाता है। अलग के बारे में हम बात करें तो उसी प्रकृति के थेपे गए शो है जो आप जो है देख सकते हैं यहाँ तक जो है महिलाएं यानी कि अबला नहीं है लेकिन कम से कम जो है तैयार होने पर भी पुरुषों की पीड़ा और भीड़ का जो है सामना जरूर कर सकती है।
अब दोस्तों रिव्यू करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, उत्तर पश्चिमी भारत की खुशी और बंजर भूमि में शो की जो है शेटिंग किए गए हैं और ये एकदम सही है और प्रत्येक पात्र की वेशभूषण और श्रृंखला पर प्रभावशाली भी पड़ता है क्योंकि प्राचीन टैटू और जातीय के साथ जो है आभाषणों के साथ पूर्ण देहाती मेकओवर दिया गया है इस फिल्म के अंदर। दोस्तों अगर बात की जाए इस फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है डिम्पल कवाड़िया धारा उत्तर भारतीय रेगिस्तानी शहर सासमो और फिलिंगों में ड्रग डीलरों के परिवार की यहाँ दोस्तों श्रृंखला में देखने को मिलता है। डीलरों के परिवार की मातृभूमि के रूप में एक थ्रिलर का नेतृत्व किया गया जो हमें तूतरीपूर्ण शक्त और अप्रिय महिलाओं की दुनिया में पहुंचाता है जो अपनी शर्तों पर पूरी तरह से रानी आकार का जीवन जीती है। फिल्म में दोस्तों महिलाएं शक्ति का लाभ उठाती है लेकिन अपने निडर जो है तरीकों के लिए कीमत भी चुकाती है। पुरस्कार के बारे में बात किया जाए तो प्रतिशोध के बीच संघर्ष यहाँ पे आपरम पारगत जो है पारिवारिक नाटक का मूल है जो एक हद तक जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के आर्य पर एक विचित्र ग्रामीण भिन्नरता का साथ दिया गया है। मजबूत माहौल ये है कि एक ऐसी कहानी है फिल्म में जो भावनाओं और एक्शन से भरी हुई है और कई ठोस प्रदर्शन दिए गए हैं और एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो कि ट्विस्ट और टर्न का एक पूरा तर्क प्रदान करता है जो सास बहू और फ्लेमिंगो को एक जो संतोषजनक जरूरी नहीं की जा सकती है जिसकी वजह से शानदार शो बनने के लिए ये तैयार है। इसके अलावा दोस्तों इसके एपिसोड के बारे में हम बात कर ले तो 8 एपिसोड हॉटस्टार पे रिलीज कर दिया गया स्पेशल सीरीज जो है। जी हाँ दोस्तों स्पेशल सीरीज विस्फोटक और धीमी जलन तना हुआ और यहाँ पे घुमावदार के बीच बैकलिप तैयार किया गया है। ये एक बेकार परिवार का अनुसरण करता है जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो सतह पर दिखाई देता है। ये शायद ही आश्चर्य की बात है कि यहाँ पे अधिकांश कहानी एक गुप्त बंकर में सामने आती है। वह स्थान जहाँ पर परिवार अपनी यहाँ पे अफीम उगाते हैं चुपके से, एक ऐसी जगह जहाँ जिसका जो है बाकी दुनिया को कोई भी यानी कि आभास ही नहीं है। दोस्तों देखने को मिलता है कि सीरीज में कई जो है भयवा रिश्ते सामने आते हैं जो लिंग अनाचार की सीमा पर बिना जो है पढ़े दिल तोड़ने वाले विशुद्ध रूप से जो है रोमांटिक होते हैं। दोस्तों असहज और यहाँ पे परास्वप्रिक के साथ जो है समीकरण उस नाजुक जो है संतुलन को यहाँ पे बिगाड़ने की धमकी देते हैं सीरीज में जो बच्चे को एक साथ रखता है। परिवार के भीतर एक उत्तराधिकार युद्ध जो है छिड़ जाता है देखने के बाद क्योंकि यहाँ पे आपको बतला दें व्यवसाय चलाने वाली महिला और औपचारिक रूप से अपने साम्राज्य के कानूनी उत्तराधिकारी का नाम देने के इरादे की घोषणा करती है एक दिन। दोस्तों आगे देखने को मिलता है सास बहू और गतिशील को अपने सिर पर मोड़ने और वसंत आश्चर्य की अपनी जो है सहज क्षमता के लिए खनन करने के अलावा क्राइम ड्रामा एक रोमांचक जो है खतानक प्रदान करता है जिसमें दोस्तों महिलाएं सभी शॉट्स को बुलाती है और यहां तक कि उनके यहां पे आसपास के पुरुष वह सब करते हैं जो वह नहीं कर सकते, उनके लिए आसान है लेकिन ये शो लैंगिक विभाजन और उसके प्रभाव के बारे में इतना नहीं है क्योंकि ये महत्वाकांक्षा और पारिवारिक बंधनों और इसके नतीजों के बीच संघर्ष के बारे में ये शो बात करता है। अब दोस्तों ये श्रृंखला समान गति से नहीं है क्योंकि इसके कुछ हिस्से एक स्पर्श सुस्त और घूमने वाले हैं लेकिन जब भी ये गति पकड़ता है तो अपनी जो है पटियों को हिट जरूर करता है। सास बहू और फ्लेमिंगो यहाँ पे होमी अजानिया धारा निर्मित की गई है जो निर्देशक के बारे में हम बात कर ले तो पूरी तरह से आकर्षक और मनोरंजन तरीके से इसको तैयार किया गया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे नंदिनी गुप्ता और अमन मंदान की भावपूर्ण स्क्रिप्ट हमें फिल्म में देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बतला दे राणा प्रदेश नामक एक प्रांत में एक काल्पनिक जो है रेगिस्तान में स्थापित की गई श्रृंखला मिट्टी की पृष्ठभूमि का बहुत अच्छा उपयोग करती है जिसे जो है फोटोग्राफी के निर्देशक और लीनेश देसाई के लेंस के माध्यम से विचार किया गया है जो कैप्चर किया गया उनके साथ। ये एक ऐसा परिदृश्य है जहाँ सावित्री डिम्पल कपाड़िया के लिए हर कोने पर खतरा मंडराता है जो एक हवेली से है जो कई रहस्य छुपाती है। आगे देखने को मिलता है एक अवैध व्यापार करती है जिसे यहाँ पे व्यंजनात्मक रूप से रानी सहकारी कहा जाता है। उन्हें इसका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ऊपर है।
लेकिन कोई भी ये पता नहीं लगा सकता है कि एक समय यानी कि सहायता समूह की तर्ज पर चलने वाला व्यवसाय इतना बड़ा पैसा बनाने वाले कैसे हो सकते हैं। अब दोस्तों वहाँ पे हस्तीपुर में एक पुलिस स्टेशन के बिना एक चौकी सावित्री वास्तव में सभी जो सर्वेक्षणों की रानी है। उसकी विद्रोह बेटी शांता राधिका मदान और दो चंचल बहुए हैं, जहां बिजली ईशा तलवार और काजल के साथ जो अंगिरा धरपे है उसके साथ दोस्तों काम कर दिया और एक दुर्जय के साथ जो है एक दुर्जय चौकी है जो कि जिसके नीचे होने पर कोई भी यानी कि आपको क्वार्ट देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों बता दें पे बदमाश लड़कियों के लिए अक्सर कठिन ये हो जाता है, लेकिन वह उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी जो है जमीन पर टिकी रहती है, जिनका सामना वह एक दर्शन विचार कोकीन डिलीवर से करती है। दीपक दुबारियाल के बारे में हम बात कर ले तो एक नशीले पदार्थों के विरोधी सहायक पुलिस आयुक्त जो है प्रसून जैसे हैं, जहां पे जिमीत के साथ बता दे त्रिवेदी से की है, जो कि स्पष्ट संक्षिप्त विवरण के साथ मुंबई से राना पर्दे से स्थानांतरित कर देती है फिल्म में। अब दोस्तों आगे देखने को मिलता है सावित्री के दो जो है झगड़ालू बेटे हैं हरीश और आशीष वर्मा, जो कपिल वरुण मित्रा के साथ अपनी मां के व्यवसाय की वास्तविक जो है प्रकृति से अनभिज्ञ है। दो व्यक्ति जो है अमेरिका से लौटते हैं, उनकी पत्नियां कुछ भी नहीं बताती हैं क्योंकि दुनिया के एक कोने में पैर जमाने की कोशिश में ये जोड़ी एक चीज से दूसरी चीज पर जो है लड़खड़ाती है, जो अब उनके लिए अलग हो गया है। सावित्री के दत्तक पुत्र और उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी में से एक धीमान उदित अरोरा के लिए दोनों भाई और बहनों का कोई भी प्यार नहीं मिलता है। तनाव बढ़ते चला जाता है दोनों में, क्योंकि यहाँ पे कोक और सूंघने वाले हरीश और अधिक जो है चौकस पे कपिल धीमा हो जाते हैं। दोस्तों देखने को मिलता है कि उत्तर अधिकार युद्ध में एक प्रमुख जो है प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। इसके अलावा उनकी बहन और धीमान के बीच एक संबंध जो है चिंता के कारण बन जाता है सीरीज के अंदर। लेकिन दोस्तों इधर अधिक सावित्री कितनी भी दृढ़ और एक काकरा क्यों ना कर लो, यहाँ पे उल्टा उसके अस्तित्व का एक हिस्सा बना हुआ है। एक बैक के स्टोरी के बारे में हम बात कर ले तो यहाँ पे एक बंजारा महिला के एक जो है दबंग और यहाँ पे अभिज्ञ सरगना में परिवर्तन के पीछे के कारणों को प्रकट करती है। ये उन परिस्थितियों की ओर भी इशारा करता है जिसमें सावित्री ने उतार चढ़ाव की एक जो है चौथाई सदी की यात्रा में दोस्ती की और दुश्मनों को बनाया। जब दोस्तों एक पुलिस वाले का फोन आता है तो सावित्री ये कहती है कि बंजारों का घर नहीं होता है, उनका तो सिर्फ रास्ता ही होता है, क्योंकि बंजारा कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी नाच गा और कहीं भी रह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और ये कहती है कि यहाँ तो मारो या फिर मरो, महिलाओं को घेरने वाले सभी खतरों के बीच में वह इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि जीवित रहने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। विशेष रूप से दिलचस्प युवा जो शान का चरित्र बना हुआ है सीरीज में। आगे दोस्तों सीरीज में देखने को मिलता है जो पहिया में एक महत्वपूर्ण दल है, वो उन पंतियों के फीते जो है बांधती है जिन्हें उसकी माँ एक रसायन के साथ उगाती है जो दवा को बहुत मजबूत बनाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंगो कहे जाने वाले रानी के साथ जो है यहाँ पे कोआ प्रेरित धारा उत्पादित जो है शक्तिशाली यौगिक के देश में भरे और इसकी सीमाओं में किया जाता है ये सब चीजें। दोस्तों आगे शुरुआती एपिसोड में एक नाइट क्लब में ड्रग ओवरडोज के कारण यहाँ पे उप मुख्यमंत्री का बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंगो का एक जो है पैकेट मुंबई और पुलिस धारा जो है जब्त कर लिया जाता है। और एक एंटी के बारे में हम बात कर ले तो नारकोटिक्स एजेंट राणा परदेश के सूत्र का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पे घातक दवा और पुलिस का मिशन साजिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिंपल कबाड़िया फिल्म में एक प्रभावशाली स्टार टर्न के साथ शो को शक्ति प्रदान तो करती है, लेकिन राधिका मदान ने एक यहाँ पे बता दे सारगर्भित युवा महिला को उकेरा है जो अपने लिए मायने रखने वाली चीजों की खोज में एक इंच भी पीछे नहीं हटती है। ईशा तलवार के बारे में बात कर ले तो अंगिरा धर दोनों बहुओं के रूप में बहुत अच्छे अभिनय किए हैं। कलाकारों में पुरुष कलाकार जिनमें से जो है नसीरुद्दीन शाह और दीपक दुबारियाल शामिल है,
दूसरी भूमिका निभाते हैं फिल्म में। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आशीष वर्मा, वरुण मित्रा और उदित अरोड़ा के बारे में हम बात कर ले तो तीनों पुरुषों की भूमिका निभा रहे हैं, जो रानी को यानी कि ऑपरेटिव पर नियंत्रण पाने की उम्मीद पर है। एक पुलिस वाले के रूप में जिमी त्रिवेदी कोई भी यानी कि धक्का देने वाले नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट उन्हें पर्याप्त स्पेस देती है और वह इसका पूरा फायदा भी उठाते हैं इस सीरीज के अंदर। इसके अलावा दोस्तों बतला दें गैंग्स ऑफ वासेपुर जो भाग वन 2012 के प्रतिष्ठित उद्घाटन शॉट में आया था, क्योंकि यहाँ पे सास भी कभी बहुत ही ये भूमिका निभाने वाली एक टेलीविजन स्क्रीन आने वाली गोलियों से यहाँ पे चकनाचूर हो जाती है। आगे इस दृश्य में एक मिशन स्टेंटमैन के रूप में कार्य किया, क्योंकि यहाँ पे वासीपुर एक पारिवारिक गथा बनने जा रहा है जैसे कोई और नहीं बन सकता। अब 11 साल बाद सास बहू और फ्लेमिंगो अपने टाइटल के साथ कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है, क्योंकि श्रृंखला होमी अज्ञान या धारा निर्देशित किया गया और डिज्नी प्लस हॉट स्टार पे स्ट्रीमिंग किया गया है। एक अवैध व्यापार में लगे परिवार के बारे में ये कहानी है, जो फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ अनुराग कश्यप के खून से लथपथ जो है कोयला यानी कि तस्करों के महाकाव्य के विपरीत इस शो में नायक महिलाएं हैं। बता दें दोस्तों, सोचिए अगर यहाँ पे नगमा और उनके अलावा मोहसिना और शमा होती तो एक गुप्त ड्रग के साथ जो है कोटेल चलाते हैं, जिसके बारे में यहाँ पे सरदार खान फैजल और यहाँ पे दानिश को कोई जो है जानकारी नहीं मिली थी। दोस्तों इस सीरीज के अंदर सावित्री यानी कि डिंपल कवारिया रानी को ऑपरेटिव चलाते हुए दिखाया गया, जो यहाँ पे हस्तशिल्प और यहाँ पे औषधि जड़ी बूटियों का उत्पादन करती है। वह उत्तर पश्चिम भारत के एक काल्पनिक सीमावर्ती शहर हस्तीपुर की महिलाओं की मात्र सत्ता और धर्म माता है, जहाँ सहकारी हम जल्दी से सीखते हैं कि एक अवारण या सवात्री का असली जो है धंधा कुकीन है, क्योंकि उसके यहाँ पे संचालन में उसकी बेटी शांता और राधिका मदान और दो बहू काजल और अंगीराधर शामिल है। और दोस्तों बिजली के बारे में बात की जाए तो ईशा तलवार धारा मदद की जाती है जब उनके सिग्नेचर और यहाँ पे फ्लेमिंगो उत्पाद के मिलावटी जो संस्करण ने एक राजनेता के बेटे को कोमा में डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे सावित्री को एहसास हुआ कि इसके लिए नरक की कीमत चुकानी होगी। विभिन्न यानी कि गिद्ध और चक्कर लगाते हुए आते हैं, जिनमें देखने को मिलता है कि डेड पेन एंटी और नार्कोटिक जो है ऑफिसर प्रोसून जो है जिमी त्रिवेदी के साथ वहाँ पे आते हैं। आगे दोस्तों देखने को मिलता है दीपक दुबारियल नाम का एक मृत आंखों वाला प्रतिद्वंदी शामिल है इन सब चीजों में, जो एक अलग कहानी जरूर देखने को इसके अंदर मिलता है हमें। दोस्तों इस सीरीज में शुरुआती घाट जिसे जो है सावित्री और उसके जो है मंडली ने अपनी जो है हवेली में सफलतापूर्वक विफल कर दिया चाकू मारकर, और उसके अलावा फुलदान और यहाँ पे बेड तरतीब जो है ट्रिंग केयर से जो है उड़ान भरा, क्योंकि संशोधन वादिन के बारे में हम बात कर ले तो उनका रुख का संकेत यह है कि श्रृंखला लेने के लिए तैयार किया गया, फिर भी जो है जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है हमें एहसास होता है कि सास बहू और फ्लेमिंगो डेली सोप ओपेरा में शामिल है, जहां आकर्षित ये होता है कि जितना कि ये आलोचना कर रहा है सावित्री को उनके जो है अनुयायी रानी बाकी रूप में संबोधित किया गया है। शो के लिए एक जो है बैकलिप शीर्षक यानी, और इसके अलावा बता दें कि कभी हो सकता था कि जब यानी कि उसके बेटे अमेरिका से बेखबर जो है कॉर्पोरेट आते हैं, तो एक अलग ही कहानी इसमें देखने को मिलता है। आगे दोस्तों होमी और उनके जो है लेखक अपने पन की इस जो है भावना को बड़ी जो है शिद्दत से झाड़ने की कोशिश करते हैं। आगे बिजली और उसका पति आशीष वर्मा एक जो है खुशनुमा माहौल से बाहर आते हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे होते क्योंकि वह मुंबई के एक डीजे के साथ जो है समलैंगिक संबंधों में है। शांता और धीमान उदित अरोड़ा के बारे में हम बात कर ले तो उपरोक्त और यहाँ पे तीसरा बेटा यौन और भावनात्मक रूप से जो जुड़ा हुआ है इसके अंदर। एक संदर्भ ये है कि शायद गेम ऑफ जो है थ्रोन्स है, क्योंकि यहाँ पे कैरिसिस और यहाँ पे जमील के साथ जो है बीच अनाचारपूर्ण संबंध था, हालांकि उन उत्साहित जुड़ाव बच्चों के विपरीत था, क्योंकि यहाँ पे शांता और धीमान रक्त भाई बहन नहीं है, ये भी जानने को आगे मिलता है। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी तो आपको याद होगा, जो सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होगी, तो इस जो है यानी कि दानेदार और सीमावर्ती नाटक में यहाँ पे
आपको बता दें प्रौद्योगिकी की चांद जो है और इसके अलावा वैश्वीकरण के लिए अधिक जो है आकर्षण है। ये क्लासिक होमी क्षेत्र है जो एक अच्छी तरह से यात्रा करने वाला बॉम्बे लड़का और वजवे शहरी अर्थ पर यहाँ पे शहरी और यहाँ पे महानगरीय भारत के बीच की जहाँ पे दूरियों को मिटाने में सबसे अच्छा है। गैंग्स ऑफ वासेपुर के पेजर्स के हम बारे में हम बात कर ले तो यहाँ पे अपडेट करते हुए उनके पात्र यानी कि हेडफोन द्वारा ये लिखा गया है कि उनके द्वारा दोस्तों ये लिखा गया है कि यहाँ पे हेडफोन स्मार्ट वॉच और वीआर हेडसेट लेकर जो है घूमते हैं। हम जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर ले तो माध्यम से मनी और यहाँ पे लोन ड्रिंक देखते हैं जो एक जो है मर्मस स्पत्री और ब्यूरन में आता है जो सावित्री रात में सितारों का एक महंगे दिखने वाले यहाँ पे टेलीस्कोप से सर्वेक्षण करती है। तो दोस्तों बता दें ये सीरीज आपको अभी यूरोप पर देखने को नहीं मिलता क्योंकि इसको डिज्नी प्लस पर रखा गया है। फिल्म में टिम्बल कबाड़िया शो को एक साथ रखती है। वह एक सावित्री को तनय और लेकिन कठोर के रूप में चित्रित करती है और उसकी दृढ़ता और तब से जो है संकेत मिला है कि कैसे वह हाथ से यहाँ पे मोमबत्तियों पर मुहर लगाती है। बिजली के रूप में ईसा तलवार उसकी लिव इन क्रूरता से मेल जरूर खाती है लेकिन दोस्तों मदन और धर के प्रदर्शन के बारे में हम बात कर ले तो एक अलग ही चीज देखने को मिलता है। श्रृंखला नाजुक पुरुष आ के अपने जो है मैलिकों के साथ जो है डटलिंग और मजाकिया तरीके से है। इसके अलावा दोस्तों सावित्री के छोटे बेटे के बारे में हम बात करें तो वरुण मित्रा को पता चलता है कि यहाँ पे करोड़ों का साम्राज्य चलाया जाता है और यहाँ पे हर महीने $500 से भेजा जाता है जो कि काजल ने उसे जो आश्वस्त करते हुए कहा कि एक माँ की नज़र में ये सब जो है आसान नहीं होता। दोस्तों बता दें सीरीज में आपको एक इमोशनल कहानी भी देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस पे ये सीरीज आपको अभी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं सास बहू और फ्लेमिंगो फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा स्ट्रीमिंग टेलीविजन श्रृंखला है। इसे होमी अदजानिया द्वारा निर्मित किया गया है और निर्देशित किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो मैडॉक फिल्म के तहत इस फिल्म को बनाया गया है निर्मित किया गया है। तो दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में डिंपल कबाड़िया राधिका मदान और ईशा तलवार और उनके अलावा अंगिरा धर दीपक डुबारियल और मोनिका डोगरा और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों की टुकड़ी इस फिल्म में शामिल है। इसके अलावा दोस्तों इस श्रृंखला का प्रीमियर 5 मई 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हुआ है। द हिंदू ने लिखा है कि श्रृंखला नाजुक पुरुष आ के अपने जो है मोली कोडलिंग और इसके अलावा मजाकिया तरीके से किए गए हैं और ये एक मनोरंजन सीरीज होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस सीरीज को देखना चाहते हो तो ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी में देखने को मिल जाता है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस मूवी के रिव्यू रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले Rediff.com की तरफ से सुकन्या वर्मा ने इसके बारे में लिखा है कि ये सीरीज सेक्स हिंसा और ड्रग्स पर श्रृंखला को ओवरडोज महसूस करवाता है और अपनी समीक्षा में उन्होंने लिखा इसके टेरे मेरे जो है ब्रह्मांड और इसके जो है छायादार जो है और साथ ही साथ दोस्तों काम काज को जो है फर्जी की तरफ विस्तारित दिया गया है विस्तार से दर्ज करने का प्रयास किया गया उन्होंने बताया है लेकिन दोस्तों कोई भी यानी कि साहस नहीं है क्योंकि बंदूक है और यहाँ पे घाघरा एक के लिए बनाते हैं जहाँ पे आपको बता दें पंच लाइन ठीक है लेकिन यहाँ पे भावनाओं के अभाव में इमेजरी फीकी लगती है देखने में। अब दोस्तों आगे देखने को मिलता है कि इंडिया टुडे के एक लोचक ने श्रृंखला को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा है कि सास बहू और फ्लेमिंगो एक ऐसा सीरीज है जहां महिलाएं सबसे आगे हैं। आपके बता दें आपके चेहरे पर कोई जो है नारीवाद नहीं चल रहा है लेकिन दोस्तों ये सिर्फ जो है बहुत निष्पक्ष और ताजा महसूस करवाता है। अलग के बारे में हम बात करें तो उसी प्रकृति के थेपे गए शो है जो आप जो है देख सकते हैं यहाँ तक जो है महिलाएं यानी कि अबला नहीं है लेकिन कम से कम जो है तैयार होने पर भी पुरुषों की पीड़ा और भीड़ का जो है सामना जरूर कर सकती है।
अब दोस्तों रिव्यू करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, उत्तर पश्चिमी भारत की खुशी और बंजर भूमि में शो की जो है शेटिंग किए गए हैं और ये एकदम सही है और प्रत्येक पात्र की वेशभूषण और श्रृंखला पर प्रभावशाली भी पड़ता है क्योंकि प्राचीन टैटू और जातीय के साथ जो है आभाषणों के साथ पूर्ण देहाती मेकओवर दिया गया है इस फिल्म के अंदर। दोस्तों अगर बात की जाए इस फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है डिंपल कवाड़िया धारा उत्तर भारतीय रेगिस्तानी शहर सातमा और फिलिंगों में ड्रग डीलरों के परिवार की यहाँ दोस्तों श्रृंखला में देखने को मिलता है। डीलरों के परिवार की मातृभूमि के रूप में एक थ्रिलर का नेतृत्व किया गया जो हमें तूतरीपूर्ण सख्त और अप्रिय महिलाओं की दुनिया में पहुंचाता है जो अपनी शर्तों पर पूरी तरह से रानी आकार का जीवन जीती है। फिल्म में दोस्तों महिलाएं शक्ति का लाभ उठाती है लेकिन अपने निडर जो है तरीकों के लिए कीमत भी चुकाती है। पुरस्कार के बारे में बात किया जाए तो प्रतिशोध के बीच संघर्ष यहाँ पे आपरम पारगत जो है पारिवारिक नाटक का मूल है जो एक हद तक जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के आर्य पर एक विचित्र ग्रामीण भिन्नरता का साथ दिया गया है। मजबूत माहौल ये है कि एक ऐसी कहानी है फिल्म में जो भावनाओं और एक्शन से भरी हुई है और कई ठोस प्रदर्शन दिए गए हैं और एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो कि ट्विस्ट और टर्न का एक पूरा तर्क प्रदान करता है जो सास बहू और फ्लेमिंगो को एक जो संतोषजनक जरूरी नहीं की जा सकती है जिसकी वजह से शानदार शो बनने के लिए ये तैयार है। इसके अलावा दोस्तों इसके एपिसोड के बारे में हम बात कर ले तो 8 एपिसोड हॉटस्टार पे रिलीज कर दिया गया स्पेशल सीरीज जो है यहाँ दोस्तों स्पेशल सीरीज विस्फोटक और धीमी जलन तना हुआ और यहाँ पे घुमावदार के बीच बैकलिप तैयार किया गया है। ये एक बेकार परिवार का अनुसरण करता है जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो सतह पर दिखाई देता है। ये शायद ही आश्चर्य की बात है कि यहाँ पे अधिकांश कहानी एक गुप्त बंकर में सामने आती है। वह स्थान जहाँ पर परिवार अपनी यहाँ पे अफीम उगाते हैं चुपके से, एक ऐसी जगह जहाँ जिसका जो है बाकी दुनिया को कोई भी यानी कि आभास ही नहीं है। दोस्तों देखने को मिलता है कि सीरीज में कई जो है भयवा रिश्ते सामने आते हैं जो लिंग अनाचार की सीमा पर बिना जो है पढ़े दिल तोड़ने वाले विशुद्ध रूप से जो है रोमांटिक होते हैं। दोस्तों असहज और यहाँ पे परास्वप्रिक के साथ जो है समीकरण उस नाजुक जो है संतुलन को यहाँ पे बिगाड़ने की धमकी देते हैं सीरीज में जो बच्चे को एक साथ रखता है। परिवार के भीतर एक उत्तराधिकार युद्ध जो है छिड़ जाता है देखने के बाद क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें व्यवसाय चलाने वाली महिला और औपचारिक रूप से अपने साम्राज्य के कानूनी उत्तराधिकारी का नाम देने के इरादे की घोषणा करती है एक दिन। दोस्तों आगे देखने को मिलता है सास बहू और गतिशील को अपने सिर पर मोड़ने और वसंत आश्चर्य की अपनी जो है सहज क्षमता के लिए खनन करने के अलावा क्राइम ड्रामा एक रोमांचक जो है खतानक प्रदान करता है जिसमें दोस्तों महिलाएं सभी शॉट्स को बुलाती है और यहां तक कि उनके यहां पे आसपास के पुरुष वह सब करते हैं जो वह नहीं कर सकते, उनके लिए आसान है। लेकिन ये शो लैंगिक विभाजन और उसके प्रभाव के बारे में इतना नहीं है क्योंकि ये महत्वाकांक्षा और पारिवारिक बंधनों और इसके नतीजों के बीच संघर्ष के बारे में ये शो बात करता है। अब दोस्तों ये श्रृंखला समान गति से नहीं है क्योंकि इसके कुछ हिस्से एक स्पर्श सुस्त और घूमने वाले हैं लेकिन जब भी ये गति पकड़ता है तो अपनी जो है पटियों को हिट जरूर करता है। सास बहू और फ्लेमिंगो यहाँ पे होमी अजानिया धारा निर्मित की गई है जो निर्देशक के बारे में हम बात कर ले तो पूरी तरह से आकर्षक और मनोरंजन तरीके से इसको तैयार किया गया है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे नंदिनी गुप्ता और अमन मंदान की भावपूर्ण स्क्रिप्ट हमें फिल्म में देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बतला दे राणा प्रदेश नामक एक प्रांत में एक काल्पनिक जो है रेगिस्तान में स्थापित की गई श्रृंखला मिट्टी की पृष्ठभूमि का बहुत अच्छा उपयोग करती है जिसे जो है फोटोग्राफी के निर्देशक और लीनेश देसाई के लेंस के माध्यम से विचार किया गया है जो कैप्चर किया गया उनके साथ। ये एक ऐसा परिदृश्य है जहाँ सावित्री डिंपल कपाड़िया के लिए हर कोने पर खतरा मंडराता है जो एक हवेली से है जो कई रहस्य छुपाती है। आगे देखने को मिलता है एक अवैध व्यापार करती है जिसे यहाँ पे व्यंजनात्मक रूप से रानी सहकारी कहा जाता है उन्हें। इसका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ऊपर है।
लेकिन कोई भी ये पता नहीं लगा सकता है कि एक समय यानी कि सहायता समूह की तर्ज पर चलने वाला व्यवसाय इतना बड़ा पैसा बनाने वाले कैसे हो सकते हैं। अब दोस्तों वहाँ पे हस्तीपुर में एक पुलिस स्टेशन के बिना एक चौकी सावित्री वास्तव में सभी जो सर्वेक्षणों की रानी है। उसकी विद्रोह बेटी शांता राधिका मदान और दो चंचल बहुएं हैं, जहाँ बिजली ईशा तलवार और काजल के साथ जो अंगिरा धरपे है उसके साथ दोस्तों काम करती है। और एक दुर्जय के साथ जो है एक दुर्जय चौकी है जो कि जिसके नीचे होने पर कोई भी यानी कि आपको क्वार्ट देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों बता दें पे बदमाश लड़कियों के लिए अक्सर कठिन ये हो जाता है, लेकिन वह उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी जो है जमीन पर टिकी रहती है, जिनका सामना वह एक दर्शन विचार कोकीन डिलीवर से करती है। दीपक दुबारियाल के बारे में हम बात कर ले तो एक नशीले पदार्थों के विरोधी सहायक पुलिस आयुक्त जो है प्रसून जैसे हैं, जहां पे जिमीत के साथ बता दे त्रिवेदी से की है, जो कि स्पष्ट संक्षिप्त विवरण के साथ मुंबई से राणा पर्दे से स्थानांतरित कर देती है फिल्म में। अब दोस्तों आगे देखने को मिलता है सावित्री के दो जो है झगड़ालू बेटे हैं हरीश और आशीष वर्मा, जो कपिल वरुण मित्रा के साथ अपनी मां के व्यवसाय की वास्तविक जो है प्रकृति से अनभिज्ञ है। दो व्यक्ति जो है अमेरिका से लौटते हैं, उनकी पत्नियां कुछ भी नहीं बताती हैं क्योंकि दुनिया के एक कोने में पैर जमाने की कोशिश में ये जोड़ी एक चीज से दूसरी चीज पर जो है लड़खड़ाती है, जो अब उनके लिए अलग हो गया है। सावित्री के दत्तक पुत्र और उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी में से एक धीमान उदित अरोरा के लिए दोनों भाई और बहनों का कोई भी प्यार नहीं मिलता है। तनाव बढ़ते चला जाता है दोनों में, क्योंकि यहाँ पे कोक और सूंघने वाले हरीश और अधिक जो है चौकस पे कपिल धीमा हो जाते हैं। दोस्तों देखने को मिलता है कि उत्तराधिकार युद्ध में एक प्रमुख जो है प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। इसके अलावा उनकी बहन और धीमान के बीच एक संबंध जो है चिंता के कारण बन जाता है सीरीज के अंदर। लेकिन दोस्तों इधर अधिक सावित्री कितनी भी दृढ़ और एक काकरा क्यों ना कर लो, यहाँ पे उल्टा उसके अस्तित्व का एक हिस्सा बना हुआ है। एक बैक के स्टोरी के बारे में हम बात कर ले तो यहाँ पे एक बंजारा महिला के एक जो है दबंग और यहाँ पे अभिज्ञ सरगना में परिवर्तन के पीछे के कारणों को प्रकट करती है। ये उन परिस्थितियों की ओर भी इशारा करता है जिसमें सावित्री ने उतार चढ़ाव की एक जो है चौथाई सदी की यात्रा में दोस्ती की और दुश्मनों को बनाया। जब दोस्तों एक पुलिस वाले का फोन आता है तो सावित्री ये कहती है कि बंजारों का घर नहीं होता है, उनका तो सिर्फ रास्ता ही होता है, क्योंकि बंजारा कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी नाच गा और कहीं भी रह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और ये कहती है कि यहाँ तो मारो या फिर मरो, महिलाओं को घेरने वाले सभी खतरों के बीच में वो इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है कि जीवित रहने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। विशेष रूप से दिलचस्प युवा जो शान का चरित्र बना हुआ है सीरीज में। आगे दोस्तों सीरीज में देखने को मिलता है जो पहिया में एक महत्वपूर्ण दल है, वो उन पंक्तियों के फीते जो है बांधती है इन्हें उसकी माँ एक जो है रसायन के साथ उगाती है जो दवा को बहुत मजबूत बनाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंगो कहे जाने वाले रानी के साथ जो है यहाँ पे कोआ प्रेरित धारा उत्पादित जो है शक्तिशाली यौगिक के देश में भरे और इसकी सीमाओं में किया जाता है ये सब चीजें। दोस्तों आगे शुरुआती एपिसोड में एक नाइट क्लब में ड्रग ओवरडोज के कारण यहाँ पे उप मुख्यमंत्री का बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेमिंगो का एक जो है पैकेट मुंबई और पुलिस धारा जो है जब्त कर लिया जाता है। और एक एंटी के बारे में हम बात कर ले तो नारकोटिक्स एजेंट राणा परदेश के सूत्र का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पे घातक दवा और पुलिस का मिशन साजिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिंपल कबाड़िया फिल्म में एक प्रभावशाली स्टार टर्न के साथ शो को शक्ति प्रदान तो करती है, लेकिन राधिका मदान ने एक यहाँ पे बता दे सारगर्भित युवा महिला को उकेरा है जो अपने लिए मायने रखने वाली चीजों की खोज में एक इंच भी पीछे नहीं हटती है। ईशा तलवार के बारे में बात कर ले तो अंगिरा धर दोनों बहुओं के रूप में बहुत अच्छे अभिनय किए हैं। कलाकारों में पुरुष कलाकार जिनमें से जो है नसीरुद्दीन शाह और दीपक दुबारियाल शामिल है दूसरी भूमिका निभाते हैं फिल्म में। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आशीष वर्मा वरुण मित्रा और उदित अरोरा के बारे में हम बात कर ले तो तीनों पुरुषों की भूमिका निभा रहे हैं जो रानी को यानी कि ऑपरेटिव पर नियंत्रण पाने की उम्मीद पर है।
एक पुलिस वाले के रूप में जिमी त्रिवेदी कोई भी यानी कि धक्का देने वाले नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट उन्हें पर्याप्त स्पेस देती है और वह इसका पूरा फायदा भी उठाते हैं इस सीरीज के अंदर। इसके अलावा दोस्तों बतला दें गैंग्स ऑफ वासेपुर जो भाग वन 2012 के प्रतिष्ठित उद्घाटन शॉट में आया था, क्योंकि यहाँ पे सास भी कभी बहुत ही ये भूमिका निभाने वाली एक टेलीविजन स्क्रीन आने वाली गोलियों से यहाँ पे चकनाचूर हो जाती है। आगे इस दृश्य में एक मिशन स्टेंटमैन के रूप में कार्य किया, क्योंकि यहाँ पे वासीपुर एक पारिवारिक गथा बनने जा रहा है जैसे कोई और नहीं बन सकता। अब 11 साल बाद सास बहू और फ्लेमिंगो अपने टाइटल के साथ कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है, क्योंकि श्रृंखला होमी अज्ञान या धारा निर्देशित किया गया और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे स्ट्रीमिंग किया गया है। एक अवैध व्यापार में लगे परिवार के बारे में ये कहानी है, जो फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ अनुराग कश्यप के खून से लथपथ जो है कोयला यानी कि तस्करों के महाकाव्य के विपरीत इस शो में नायक महिलाएं हैं। बता दें दोस्तों, सोचिए अगर यहाँ पे नगमा और उनके अलावा मुहसिना और शमा होती तो एक गुप्त ड्रग के साथ जो है कोटेल चलाते हैं, जिसके बारे में यहाँ पे सरदार खान फैजल और यहाँ पे दानिश को कोई जो है जानकारी नहीं मिली थी। दोस्तों इस सीरीज के अंदर सावित्री यानी कि डिंपल कवारिया रानी को ऑपरेटिव चलाते हुए दिखाया गया, जो यहाँ पे हस्तशिल्प और यहाँ पे औषधि जड़ी बूटियों का उत्पादन करती है। वह उत्तर पश्चिम भारत के एक काल्पनिक सीमावर्ती शहर हस्तीपुर की महिलाओं की मात्र सत्ता और धर्म माता है, जहाँ सहकारी हम जल्दी से सीखते हैं कि एक अवारण या सवात्री का असली जो है धंधा कुकीन है, क्योंकि उसके यहाँ पे संचालन में उसकी बेटी शांता और राधिका मदान और दो बहू काजल और अंगिराधर शामिल है। और दोस्तों बिजली के बारे में बात की जाए तो ईशा तलवार धारा मदद की जाती है जब उनके सिग्नेचर और यहाँ पे फ्लेमिंगो उत्पाद के मिलावटी जो है संस्करण ने एक राजनेता के बेटे को कोमा में डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे सावित्री को एहसास हुआ कि इसके लिए नरक की कीमत चुकानी होगी। विभिन्न यानी कि गिद्ध और चक्कर लगाते हुए आते हैं, जिनमें देखने को मिलता है कि डेड पेन एंटी और नार्कोटिक जो है ऑफिसर प्रोसून जो है जिमी त्रिवेदी के साथ वहाँ पे आते हैं। आगे दोस्तों देखने को मिलता है दीपक दुबारियल नाम का एक मृत आंखों वाला प्रतिद्वंदी शामिल है इन सब चीजों में, जो एक अलग कहानी जरूर देखने को इसके अंदर मिलता है हमें। दोस्तों इस सीरीज में शुरुआती घाट जिसे जो है सावित्री और उसके जो है मंडली ने अपनी जो है हवेली में सफलतापूर्वक विफल कर दिया चाकू मारकर, और इसके अलावा फुलदान और यहां पे बेड तरतीब जो है ट्रिंक केयर से जो है उड़ान भरा, क्योंकि संशोधन वादिन के बारे में हम बात कर ले तो उनका रोग का संकेत यह है कि श्रृंखला लेने के लिए तैयार किया गया, फिर भी जो है जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है हमें एहसास होता है कि सास बहू और फ्लेमिंगो डेली सोप ओपेरा में शामिल है, जहां आकर्षित ये होता है कि जितना कि ये आलोचना कर रहा है सावित्री को उनके जो है अनुयायी रानी बाकी रूप में संबोधित किया गया है। शो के लिए एक जो है बैकलिप शीर्षक यानी, और इसके अलावा बता दें कि कभी हो सकता था कि जब यानी कि उसके बेटे अमेरिका से बेखबर जो है कॉर्पोरेट आते हैं, तो एक अलग ही कहानी इसमें देखने को मिलता है। आगे दोस्तों होमी और उनके जो है लेखक अपनेपन की इस जो है भावना को बड़ी जो है शिद्दत से झाड़ने की कोशिश करते हैं। आगे बिजली और उसका पति आशीष वर्मा एक जो है खुशनुमा माहौल से बाहर आते हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे होते क्योंकि वह मुंबई के एक डीजे के साथ जो है समलैंगिक संबंधों में है। शांता और धीमान उदित अरोड़ा के बारे में हम बात कर ले तो उपरोक्त और यहाँ पे तीसरा बेटा यौन और भावनात्मक रूप से जो जुड़ा हुआ है इसके अंदर। एक संदर्भ भी ये है कि शायद गेम ऑफ जो है थ्रोन्स है, क्योंकि यहाँ पे कैरिसिस और यहाँ पे जमील के साथ जो है बीच अनाचारपूर्ण संबंध था, हालांकि उन उत्साहित जुड़वा बच्चों के विपरीत था, क्योंकि यहाँ पे शांता और धीमान रक्त भाई बहन नहीं है, ये भी जानने को आगे मिलता है। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी तो आपको याद होगा, जो सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होगी, तो इस जो है यानी कि दानेदार और सीमावर्ती नाटक में यहाँ पे आपको बतला दे प्रौद्योगिकी के साथ जो है और इसके अलावा वैश्वीकरण के लिए अधिक जो है आकर्षण है। ये क्लासिक होमी क्षेत्र है जो एक अच्छी तरह से यात्रा करने वाला बॉम्बे लड़का और वजह शहरी अर्थ पर यहाँ पे शहरी और यहाँ पे महानगरीय भारत के बीच की जहाँ पे दूरियों को मिटाने में सबसे अच्छा है। गैंग्स ऑफ वासेपुर के पेजर्स के हम बारे में हम बात कर ले तो यहाँ पे अपडेट करते हुए उनके पात्र यानी कि हेडफोन द्वारा ये लिखा गया है कि
उनके द्वारा दोस्तों ये लिखा गया है कि यहाँ पे हेडफोन, स्मार्ट वॉच और VR हेडसेट लेकर जो है घूमते हैं। हम जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर ले तो माध्यम से मनी और यहाँ पे लॉन्ड्रिंग देखते हैं, जो एक जो है मर्मस स्पत्री और ब्यूरन में आता है, जो सावित्री रात में सितारों का एक महंगे दिखने वाले यहाँ पे टेलीस्कोप से सर्वेक्षण करती है। तो दोस्तों बता दें ये सीरीज आपको अभी यूरोप पर देखने को नहीं मिलता क्योंकि इसको डिज्नी प्लस पर रखा गया है। फिल्म में टिम्बल कबाड़िया शो को एक साथ रखती है, वह एक सावित्री को तनय और लेकिन कठोर के रूप में चित्रित करती है और उसकी दृढ़ता और तब से जो है संकेत मिला है कि कैसे वह हाथ से यहाँ पे मोमबत्तियों पर मुहर लगाती है। बिजली के रूप में ईसा तलवार उसकी लिव इन क्रूरता से मेल जरूर खाती है, लेकिन दोस्तों मदन और धर के प्रदर्शन के बारे में हम बात कर ले तो एक अलग ही चीज देखने को मिलता है। श्रृंखला नाजुक पुरुष आह के अपने जो है मैलिकों के साथ जो है डटलिंग और मजाकिया तरीके से है। इसके अलावा दोस्तों सावित्री के छोटे बेटे के बारे में हम बात करें तो वरुण मित्रा को पता चलता है कि यहाँ पे करोड़ों का साम्राज्य चलाया जाता है और यहाँ पे हर महीने $500 से भेजा जाता है, जो कि काजल ने उसे जो आश्वस्त करते हुए कहा कि एक माँ की नज़र में ये सब जो है आसान नहीं होता। दोस्तों बता दें सीरीज में आपको एक इमोशनल कहानी भी देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस पे ये सीरीज आपको अभी देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं सास बहू और फ्लेमिंगो फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की अपना ड्रामा स्ट्रीमिंग टेलीविजन श्रृंखला है, जिसे होमी अदजानिया द्वारा निर्मित किया गया है और निर्देशित किया गया है। यहाँ फैंस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात कर ले तो मैडॉक फिल्म के तहत इस फिल्म को बनाया गया है, निर्मित किया गया है। तो दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म में डिंपल कबाड़िया, राधिका मदान और ईशा तलवार और उनके अलावा अंगिरा धर, दीपक डुबारियल और मोनिका डोगरा और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों की टुकड़ी इस फिल्म में शामिल है। इसके अलावा दोस्तों इस श्रृंखला का प्रीमियर 5 मई 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हुआ है। द हिंदू ने लिखा है कि श्रृंखला नाजुक पुरुष आह के अपने जो है मौली कोडलिंग और इसके अलावा मजाकिया तरीके से किए गए हैं और ये एक मनोरंजन सीरीज होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस सीरीज को देखना चाहते हो तो ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी में देखने को मिल जाता है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस मूवी के रिव्यू रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले rediff.com की तरफ से सुकन्या वर्मा ने इसके बारे में लिखा है कि ये सीरीज सेक्स, हिंसा और ड्रग्स पर श्रृंखला को ओवरडोज महसूस करवाता है और अपनी समीक्षा में उन्होंने लिखा इसके टेरे मेरे जो है ब्रह्मांड और इसके जो है छायादार जो है और साथ ही साथ दोस्तों काम काज को जो है फर्जी की तरफ विस्तारित दिया गया है, विस्तार से दर्ज करने का प्रयास किया गया उन्होंने बताया है, लेकिन दोस्तों कोई भी यानी कि साहस नहीं है क्योंकि बंदूक है और यहाँ पे घाघरा एक के लिए बनाते हैं, जहाँ पे आपको बता दें पंच लाइन ठीक है लेकिन यहाँ पे भावनाओं के अभाव में इमेजरी फीकी लगती है देखने में। अब दोस्तों आगे देखने को मिलता है कि इंडिया टुडे के एक लोचक ने श्रृंखला को 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा है कि सास बहू और फ्लेमिंगो एक ऐसा सीरीज है जहां महिलाएं सबसे आगे हैं। आपके बता दें आपके चेहरे पर कोई जो है नारीवाद नहीं चल रहा है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ जो है बहुत निष्पक्ष और ताज़ा महसूस करवाता है। अलग के बारे में हम बात करें तो उसी प्रकृति के थेपे गए शो है जो आप जो है देख सकते हैं, यहाँ तक जो है महिलाएं यानी कि अबला नहीं है लेकिन कम से कम जो है तैयार होने पर भी पुरुषों की पीड़ा और भीड़ का जो है सामना जरूर कर सकती है। अब दोस्तों रिव्यू करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा उत्तर पश्चिमी भारत की खुशी और बंजर भूमि में शो की जो है शेटिंग किए गए हैं और ये एकदम सही है और प्रत्येक पात्र की वेशभूषण और श्रृंखला पर प्रभावशाली भी पड़ता है क्योंकि प्राचीन टैटू और जातीय के साथ जो है आभाषणों के साथ पूर्ण देहाती मेकओवर दिया गया है इस फिल्म के अंदर। दोस्तों अगर बात की जाए इस फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है डिंपल कबाड़िया धारा उत्तर भारतीय रेगिस्तानी शहर सासमो और फिलिंगो में ड्रग डीलरों के परिवार की यहाँ दोस्तों श्रृंखला में देखने को मिलता है। डीलरों के परिवार की मातृभूमि के रूप में एक थ्रिलर का नेतृत्व किया गया जो हमें तूतरीपूर्ण शक्त और अप्रिय महिलाओं की दुनिया में पहुंचाता है।
जो अपनी शर्तों पर पूरी तरह से रानी आकार का जीवन जीती है फिल्म में। दोस्तों महिलाएं शक्ति का लाभ उठाती है लेकिन अपने निडर जो है तरीकों के लिए कीमत भी चुकाती है। पुरस्कार के बारे में बात किया जाए तो प्रतिशोध के बीच संघर्ष यहाँ पे आपरम पारगत जो है पारिवारिक नाटक का मूल है जो एक हद तक जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के आर्य पर एक विचित्र ग्रामीण भिन्नरता का साथ दिया गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने रिव्यू किया है साल 2023 में रिलीज हुई सास बहु और फ्लेमिंगो वेब सीरीज को। तो दोस्तों ये सीरीज कौन सी और आपको कहाँ पे हिंदी में देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं। दोस्तों बात की जाए इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो 5 मई 2023 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी भाषा में रिलीज किया गया है। फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इसमें डिम्बल कबारिया, राधिका मदान, ईशा तलवार, दीपक दबारियाल और उनके अलावा अंगीरा धर, जमी तलवार और नसीरुद्दीन शाह फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दिए हैं। इसके डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो होमी अदजानिया जी ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। दोस्तों फिल्म की कहानी थ्रिलर है। अगर आप लोग एक्शन थ्रिलर सीरीज को देखना चाहते हो तो ये सीरीज आपको डिज्नी प्लस पे देखने को मिल सकता है, वहाँ से आप ये सीरीज को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज का इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।